टॉपिक्स से या फर्स्ट चैप्टर से या फिजिक्स के फर्स्ट लेक्चर से या फिर हम नाम नहीं देते बस एक प्रॉब्लम से, फिर मैं सिलेबस बताऊंगा कि देखो कैसे शुरुआत हुई। सबसे पहले लेट अस सपोज एक क्वेश्चन है, एक कार है, एक कार एंड कार यहां से यहां मूव होती है, ठीक है। आप करते हो कार की मोशन की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से करते हो फिजिक्स में, तो आपको यह बताया गया कि ये कार ने 10 मीटर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया और कितनी देर में किया, लेट अस सपोज 10 सेकंड में किया। आपने कहा ठीक है, मैंने पूछा ये बताओ कार की वेलोसिटी कितनी है, कार की स्पीड कितनी है, तो बोलो स्पीड कितनी है, तो राइट, तो आपने 10 मीटर को 10 सेकंड से डिवाइड किया, बहुत लोगों ने 1 मीटर पर सेकंड बोला। मैंने कहा ठीक है, मैं फिर पूछता हूं ये क्या आई इस कार की वेलोसिटी, अच्छा स्पीड, वेलोसिटी और कुछ कुछ मॉडिफाई करना चाहते हो, ओके ये वर्ड नहीं लगा दे, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, ये स्टेप आपने किया, ऐसा कुछ किया आपने 9th 10th में, एवरेज वर्ड, ओके। अब देखो हुआ क्या, प्रॉब्लम ये है, मैं यहां से शुरू करता हूं ये प्रॉब्लम। मैं अपने घर से चला, लेक्चर लेने के लिए आया और मेरे से आपने पूछा सर आप कार में आए बताओ आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मैंने कहा जी 10 मीटर ट्रेवल किया। आपने पूछा कि टाइम क्या लगा, मैंने कहा यार मैंने टाइम घड़ी में नोट किया और 10 सेकंड लगे मुझे। तो आपने कहा सर आपकी स्पीड कितनी है, मैंने कहा 1 मीटर पर सेकंड। तो आपने दिमाग लगाया और मुझसे ये पूछा सर क्या मोड़ मूड नहीं आए रास्ते में, कोई ट्रैफिक जैम नहीं था, बस मतलब कहीं नहीं रुके, सीधा एक ही स्पीड से चलते आते हो। मैंने कहा नहीं यार मोड़ थे, रुका, टोटल बता रहा हूं मैं तो कि टोटल डिस्टेंस 10 मीटर है और टोटल टाइम टेकन 10 सेकेंड है। तो फिर उसने बोला कि जब रुके थे उस टाइम वेलोसिटी क्या थी, मैंने कहा जीरो थी। तो फिर वो कह रहा है कि आप कैसे कह सकते हो कि एवरेज आपकी जो स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड है, तो मैंने कहा सॉरी गलती हो गई, ये मेरी एवरेज स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड, हर इंस्टेंट पे स्पीड मेरी डिफरेंट थी, वो मैं डिटेल में बता नहीं सकता, बड़ी लंबी स्टोरी है क्योंकि हर इंस्टेंट पे स्पीडोमीटर डिफरेंट डिफरेंट स्पीड शो कर रहा था। पहला पॉइंट समझ में आया, तो जो आप ये फॉर्मूला लगाते हो ना टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये फॉर्मूला एग्जैक्टली एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। न्यूटन 1640 या 42 में पैदा हुआ था, एग्जैक्ट मुझे बर्थ डे याद नहीं है उसका, बट उस सदी की बात है 1640s एंड 1560s से, वो पहला बंदा था जिसने इस प्रॉब्लम को सोचा कि एग्जैक्टली ये जो हम बोलते हैं कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये एग्जैक्ट स्पीड बिल्कुल भी नहीं है। पूछा गया वो कैसे, वो बोलते हैं देखो 10 मीटर का टोटल डिस्टेंस है मान गया, इस ड्राइवर की असली कहानी इससे पूछते हैं और ये पूछते हैं कि एग्जैक्टली इसकी जर्नी कैसे रही। तो लेट अस सपोज मैंने इसके डिस्टेंस को डिवाइड करके पूछा इस ड्राइवर से, तो मैंने पूछा कि तू मुझे ये बता कि 2 2 मीटर 2 2 मीटर करके 5 मीटर, 5 इंटरवल का मतलब 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, बोलता बिल्कुल हुआ। तो मैंने उस ड्राइवर से पूछा तो ये बता कि 2 मीटर डिस्टेंस कितनी देर में कवर किया, वो बोलता ठीक है 2 मीटर मैंने कवर किया 2 सेकंड में, ठीक है सही बात है। फिर अगला 2 मीटर, वो बोलता 1 सेकंड में। मैंने पूछा अगला 2 मीटर, बोलता 2 सेकंड में। मैंने पूछा अगला 2 मीटर, बोलता 1 सेकंड में। कितने सेकंड हो गए, 3 5 6। और मैंने कहा अगला 2 क्या बोलता, तो मैंने कहा टोटल क्या हुआ, कहता 10 मीटर, टोटल टाइम क्या हुआ 10 सेकंड। अब अगर मैं डिटेल ना पूछता तो आपसे वेलोसिटी तो 1 मीटर पर सेकंड ही बनती थी, सही है। और जब मैंने डिटेल पूछ ली तो अब मुझे पता लगा कि उसके इस इंटरवल में स्पीड कितनी है 2 मीटर बाय 2 सेकंड, इस इंटरवल में स्पीड कितनी है 2 मीटर बाय 2 सेकंड, इस इंटरवल में अगेन 2 मीटर बाय 2 यानी कि 1 मीटर पर सेकंड, पर यहां जब देखा गया तो 2 मीटर पर सेकंड और यहां पर 1 बाय 2 मीटर पर सेकंड, डिवाइड कर दिया इसे। जबकि उसकी अगर मैं उससे टोटल पूछूं तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम बिल्कुल ठीक, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड, लेकिन जब मैं डिटेल में पूछता हूं आंसर वेरी करते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्लियर, इसका मतलब गाड़ी एग्जैक्टली 1 मीटर पर सेकंड पे तो नहीं चली। अब न्यूटन यहां पे फंस गया, न्यूटन ने क्या सोचा, ये तो बहुत गड़बड़ है, हर इंस्टेंट पे आंसर तो चेंज हो रहा है। अब उसने
और डिटेल ड्राइवर से पूछी, वो कहता है ये बता कि ये 2 मीटर को मैं ब्रेक करके बताता हूं तो मेरा आंसर दे कि इस बार 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, ऐसे 10 इंटरवल डिवाइड करके दे दिए। मतलब वैसे बोल रहे 2 मीटर 2 सेकंड में है, तो सिर्फ इस इंटरवल को अगर ब्रेक करें तो ये इंटरवल ऐसे दिखेगा 2 मीटर का, राइट। उससे पूछा कि तू क्लेम कर रहा है कि 2 मीटर 2 सेकंड में ट्रेवल करके आया, तो ये बता कि पहला 1 मीटर कितनी देर में कवर किया। वो बोलता कि पहला 1 मीटर जो है ना वो मैंने 1.2 सेकंड में कवर कर लिया था और बाकी इंटरवल 0.8 सेकंड में। अब वो कह रहा है ये तो फिर गड़बड़ हो गई, क्योंकि अगर मैं ये डिटेल ना पूछता तो 2 मीटर बाय 2 सेकंड के हिसाब से मैं तो लोगों को वेलोसिटी बता रहा था कार की कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड। पर रियलिटी में क्या हो रहा है, रियलिटी में इस इंटरवल में 1 मीटर वाले डिस्टेंस को कितनी देर में कवर किया गया, 1.2 सेकंड में। तो उसकी स्पीड कितनी आई यहां पर, 1/1.2 मीटर पर सेकंड, और यहां पे स्पीड कितनी आ रही है, 1/0.8 मीटर पर सेकंड। पॉइंट क्लियर है? अब फिर गड़बड़ हो गई, यानी कि ये ड्राइवर से जब तक डिटेल नहीं पूछ रहे, क्योंकि डिटेल पूछते जा रहे हैं, ऐसे बोलना चाहिए, अगर डिटेल पूछते जा रहे हैं तब पता लग रहा है कि हर इंस्टेंट पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी में डिफरेंस है, और नहीं पूछते तो ये मुझे एवरेज बता देता है। तो फिर उसने डिसाइड किया न्यूटन ने और डीप जाना चाहिए। वो बोलता है ठीक है, अब तू मुझे ये बता 1 मीटर को डिवाइड करके 0.5 मीटर का क्या तूने कैसे कवर किया, फिर वेलोसिटी में डिफरेंस आया। उसने कहा नहीं, और डीप जाना चाहिए, 0.5 मीटर का और इंटरवल तोड़ के दिखाता हूं, 0.3 मीटर 0.2 मीटर वहां भी गड़बड़ आ गई। उसने कहा 0.2 मीटर को तोड़ के दिखाता हूं, 0.1 मीटर 0.1 मीटर वहां भी गड़बड़ आ गई, 0.1 मीटर को तोड़ के दिखाता हूं, पॉइंट मान लो 0.001 मीटर और बाकी बचा हुआ डिस्टेंस। उसने कहा और तोड़ के, ये एक इनफाइनाइट प्रोसेस है, इंटरवल तोड़ते रहोगे जिंदगी निकल जाएगी बैठे बैठे, यहाँ पे इंटरवल का कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट इंटरवल्स बन सकते हैं। पॉइंट समझ आया यहां तक, क्लियर है? अब न्यूटन यहां पे फंस गया, ठीक, क्योंकि यहां पे फंस चुका है, क्योंकि एक्चुअल स्पीड उसका नहीं पता चल पा रही, क्योंकि जितने इंटरवल ब्रेक करता जा रहा है एग्जैक्ट वेलोसिटीज चेंज होती जा रही है, और अगर ब्रेक नहीं करता तो एवरेज वेलोसिटी आ जाती है, और उसको एवरेज नहीं निकालनी थी, उसको तो एग्जैक्ट निकालनी थी। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? अब ये प्रॉब्लम यहां पे रुक जाती है, और सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं, जितने भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं जहां पर चेंजेस चलते हैं, या इस टाइप की प्रॉब्लम जो मोशन के अंदर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, उन सभी प्रॉब्लम्स को न्यूटन नहीं सॉल्व कर पाया एक टाइम तक, और फिजिक्स की प्रॉब्लम यहां पे रुक गई, और हमारी प्लस वन की फिजिक्स भी रुक गई, क्योंकि हमारी प्लस वन की फिजिक्स मोशन में जब काम करेगी तो वो अब ऐसे नहीं करेगी, यू दे दिया, वी दे दिया, वी यू प्लस एटी, टाइम दे दिया, ए निकाल दो, या वी यू प्लस एटी लगाया उसकी जगह एस इज यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर आ गया, आंसर आ गया। नहीं, ऐसे नहीं है, अब न्यूटन की सोच के साथ काम करना पड़ेगा, हर छोटे छोटे इंटरवल पे एग्जैक्टली क्या हुआ वो आंसर हमें देना पड़ेगा, ठीक। तो न्यूटन रुका तो हम तो चीज ही गए, हम भी रुक गए, तो फिर हमारी फिजिक्स की प्रॉब्लम आगे सॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि मैं फंस चुका हूं। कहां फंस चुका हूं कि कितने इंटरवल बनाऊं मुझे मालूम ही नहीं है, क्योंकि मैं इंटरवल छोटे 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 10 मीटर को 2 मीटर के हिसाब से ब्रेक करता हूं तो नहीं बात बनती, 1 मीटर करता हूं तो नहीं बात बनती, मैं और छोटा 0.5 मीटर 0.4 मीटर 0.1 मीटर 0.001 मीटर 0.0001 मीटर 0.0001 लगाई जाओ, जितने जीरो लगानी है क्या फर्क पड़ता है, तो इंटरवल तो खत्म होने वाली नहीं है। तो ये प्रॉब्लम समझ में आ रही है, तो कहीं तो इसको रोकना पड़ेगा, पहला पॉइंट। तो रोकने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट आना जरूरी है, या ऐसा बोले इस टाइप की प्रॉब्लम सीखने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, और वो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसके लिए एक टूल चाहिए आपको, और वो मैथ्स का टूल है, और उस टूल का नाम है कैलकुलस। मैथ्स के अंदर ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस कैसे, ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच है, अब पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री एक ब्रांच है, अब ज्योमेट्री पढ़ते हैं, मेंसुरेशन एक ब्रांच है, अब वो भी पढ़ते हैं, एलजेब्रा एक ब्रांच है, वो भी पढ़ते हैं, कैलकुलस एक बहुत बड़ी ब्रांच है, वो आप प्लस टू में पढ़ते हैं,
तो प्रॉब्लम ये है, कैलकुलस चाहिए कब? आज, 22 अप्रैल को चाहिए अगर मोशन स्टार्ट करना है। और मैथ्स के नॉन मेडिकल वालों को कब करवाया जाएगा? अगले साल जब वो प्लस टू में हो जाएंगे। 2 महीने लगेंगे कैलकुलस करने में, आपको सीखने में, मैथ्स के टीचर जो सिखाएंगे, और मेडिकल को कोई नहीं सिखाएगा, मेडिकल को मैं सिखाऊंगा, ठीक, क्योंकि उनको तो मैथ्स नहीं है। तो ऑब्वियसली, और अब नॉन मेडिकल वाले भी क्या करेंगे, 2 साल थोड़ा वेट करेंगे कि मैथ्स कब चलाएगा तो फिजिक्स सीखेंगे, तो उनको भी आज मैं ही सिखाऊंगा। तो कैलकुलस मैथ्स की एक ब्रांच है, मैथमेटिकल टूल है जो, और कैलकुलस सिर्फ 2 महीने का नहीं है प्लस टू के अंदर, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जो लोग इंजीनियरिंग करेंगे वो 2 साल तक कैलकुलस, डीप कैलकुलस और पढ़ेंगे, तो कुल मिला के 2 साल तक कैलकुलस करना है, पूरी इंजीनियरिंग कैलकुलस के ऊपर बेस्ड है, बात ही क्लोज है। तो मतलब इसका जो है ये ज्यादा ही बड़ी ब्रांच है, ठीक, क्योंकि क्योंकि एक्चुअल साइंस तो ऐसी चलती है ना हर इंस्टेंट पे, ये एवरेज में थोड़ा काम कर लोगे आप, तो एक्चुअल में आपको हर चीज डीप में स्टडी करनी है, ठीक है। तो पहला टूल जो सिलेबस में करवाया जाता है फिजिक्स वालों में, या आपकी लैंग्वेज में पहला चैप्टर जो हम करेंगे उसका नाम कैलकुलस, ये सिलेबस का पहला पार्ट है, यहां से आज स्टार्ट होना है, ठीक। मान लो कैलकुलस आ गया, चलो मान लो अभी आएगा, एक हफ्ता 10 दिन में आ जाएगा, आ गया आज, हफ्ता 10 दिन हो गए, हफ्ते के बाद आपको ये प्रॉब्लम समझ में आएगी, न्यूटन ने उसको सॉल्व कैसे की थी, आज नहीं समझ में आएगी, ये अनसॉल्व प्रॉब्लम है आज की डेट में, उसे किया क्या था, ये सस्पेंस है जो एक हफ्ते बाद ही खुलेगा। अब वो फंसा तो अब कैलकुलस वो सीख के नहीं आया, वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, कैलकुलस उसने खुद बनाया, हम सीखते हैं वो बनाता है। तो न्यूटन ने कैलकुलस शुरू किया था क्योंकि वो फंस गया था, तो न्यूटन, और न्यूटन ने ही इसकी इन्वेंशन की थी, स्टार्ट किया था इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो ऑब्वियसली उसने स्टार्टिंग की थी अपनी, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व किया उसने, फिर ये मैथ्स की जो ब्रांच है काफ़ी डीप ब्रांच है, तो मैथ्स वालों ने इसको कंटिन्यू किया, इधर से फिजिक्स में जितना चाहिए था उतना न्यूटन ने यूज़ किया और बनाया, उसे क्या बनाया वो मैं आपको बताऊंगा, राइट, यहाँ तक। तो देखो इन्वेंशन तो नीड के हिसाब से है ना, खोज तो तब की ना जब वो फंस गया, तो उसको वो भी फंस गया, हम भी फंस गए, अब कहीं ना कहीं उसको हम फंसे, तो हमने कहा कोई बात नहीं छोड़ यार चलते हैं, होता होगा, ठीक है, वो फंसा तो ऐसे कैसे फंस गए, तो उसने फिर कुछ नई चीज थी। अब मान लो जी आपको कैलकुलस आ गया, अब तो गाड़ी चलेगी और वेलोसिटी भी निकलेगी छोटे छोटे इंटरवल में, तो जब आप इनकी वेलोसिटीज को छोटे छोटे इंटरवल में निकाल पाएंगे या बहुत छोटा इंटरवल क्या लेंगे उसके बारे में आपको नॉलेज हो जाएगी, तो उस केस में हम फिजिक्स का एक चैप्टर करेंगे या एक ब्रांच शुरू करेंगे फिजिक्स की जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। जैसे मैथ्स की ब्रांचेस हैं, फिजिक्स की भी ब्रांचेस हैं, काइनेमेटिक्स एक ब्रांच है जो कि आपको ये बताती है कि कोई भी बॉडी अगर मोशन में है उसकी वेलोसिटी इनिशियल क्या है, फाइनल क्या है, t = 10 सेकंड पे वेलोसिटी क्या है, 11 पे क्या है, 12 पे, हर इंस्टेंट पे क्या क्या वेलोसिटीज हैं, ये हम स्टडी करेंगे, चलती हुई गाड़ी को स्टडी करेंगे। और गाड़ी कैसे चल सकती है, मान लो एक सड़क पे चल रही है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में चल रही है या वन डायमेंशन में चल रही है, हो सकता है आपको प्रॉब्लम आ जाए, एक इंसेक्ट चल रहा है इस फ्लोर पे चल रहा है, तो मान लो ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये वाई एक्सिस है, तो एक्स वाई प्लेन में चल रहा है, एक्स वाई प्लेन समझते हो, एक्स वाई प्लेन यानी कि जब 2 कोऑर्डिनेट्स इकट्ठे चलते हैं एक्स एंड वाई, एक्स वाई कोऑर्डिनेट में चल रहा है, तो इसको बोलते हैं मोशन इन 2D, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D। हो सकता है आपको प्रॉब्लम आ जाए एक काइट की, एक पतंग उड़ रही है हवा में, इधर उधर भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है, तो मोशन इन 3D, एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, मोशन इन 3D। तो काइनेमेटिक्स डील करेगा कि जब कोई बॉडी मूव करेगी इन मोशन इन 1D, 2D एंड 3D, तो काइनेमेटिक्स में सारी चीजें सिखाई जाएगी आपको। तो अगला चैप्टर, अगली चीजें जो है जो कैलकुलस के बाद आएंगी वो क्या होगी, आपकी काइनेमेटिक्स होगी। मान लो आपको आ गया, अब काइनेमेटिक्स इसको आने में आपको कम से कम 2 महीने लगेंगे, वैसे बता दूं हम इतनी जल्दी नहीं, 1.5-2 महीने तक यहां पहुंचेंगे, हम इससे पहले नहीं पहुंचेंगे, बिकॉज बेस बिल्डिंग है ये फिजिक्स की, आराम से करेंगे। काइनेमेटिक्स सीखने के बाद गाड़ी मोशन में आई थी, कैसे आई, न्यूटन ने फिर सोचा, क्या सोचा, ऐसे कैसे गाड़ी चल गई, किसी ने क्या लगाई उसके ऊपर, फोर्स, फिर उसने लॉ बनाए, गाड़ी ऐसे नहीं चली मेरे लॉ से चली, लॉज बनाए उसने अंडरस्टैंडिंग से, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। तो आपके सिलेबस का उसने
पूरा पर्चा लिखा हुआ है। तो उसने फिर कहा फोर्स का चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, और चैप्टर का नाम है फोर्स। फोर्स के लॉज इंट्रोड्यूस किए और एक बड़ी मजे की चीज इंट्रोड्यूस की, कैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, ठीक, ये गाड़ी है, गाड़ी को आपने एक्सलरेट करवाया, एक्सलेशन समझते हो, वेलोसिटी बहुत तेज की, मैं गिर सकता हूं पीछे, हम कहते हैं पकड़ के रखना, गिरना जाना, ऐसे कैसे है? या हम में से हम लोग ये मानते हैं कि अगर कोई बॉडी मूव करती है तो इसका मतलब किसी ने उसके ऊपर क्या लगाई, फोर्स, राइट, यहां तक क्लियर है, फोर्स लगाई, मेरे को तो किसी ने फोर्स नहीं लगाई, मैंने बैग रखा था बस के अंदर, मैं सो गया, थोड़ी देर बाद देखा बैग तो यहां से वहां पड़ा है, एक बार तो सोचा किसने उठाया तो नहीं, पर जब देखा बैग तो खुद खिसक खिसक के पीछे आ गया। अब सुना तो ये था कि किसी बॉडी को हिलाने के लिए क्या चाहिए, फोर्स, किसने टच नहीं किया, कैसे हिल गया, मैं कैसे गिर गया, कोई बोलेगा इनर्शिया, इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, ऐसी माइंड में आ रहा है, उसने भी यही कहा इनर्शिया। उसने कहा ठीक है इनर्शिया है, पर फोर्स तो है ना, ऑब्वियसली इनर्शिया है मैं मानता हूं, पर झटका तो लगा ना, तो किसी ने बिना टच किए मेरे को पीछे फेंक दिया। अब वो क्या ऐसी चीज है, उसने कहा दो तरीके की फोर्सेस होती हैं, एक कि अगर मैं इसको पकड़ूं और उसको धक्का मारूं, ये रियल फोर्स है, मैंने टच किया, एक मैं एक्सेलरेट करूंगा अपने आप नीचे गिर जाएगा। तो मैंने बिना टच किए फोर्स प्रोड्यूस करवा दी ड्यू टू इनर्शिया, उसका नाम है नॉन रियल फोर्स, रियल फोर्स और एक नॉन रियल फोर्स जो के टच नहीं करना, एक्सेलरेशन की वजह से लग जाती है, इनर्शिया की वजह से लगती है। उस नॉन रियल फोर्स का नाम उसने दिया सूडो फोर्स। एक नई फोर्स स्टडी करवाई जाएगी इसमें, सूडो, सूडो का मतलब नॉट रियल, नकली फोर्स, जाके टच नहीं किया फिर भी लगती है बॉडीज के ऊपर, मतलब इंटरेस्टिंग कुछ आने वाला है। इस फोर्स की वैल्यू क्या है उसने ये भी बताई, राइट। तो डीप कंसेप्ट है, अंडरस्टैंडिंग वाला काम, देखो अब फोर्स है तो है नहीं कि मैं आपको कोई डेफिनेशन लगाऊं व्हाट इज सूडो फोर्स, आपको कहोगे सूडो फोर्स इज दी फोर्स व्हिच इज नॉट रियल, आपके तीन में से तीन नंबर और आपकी सिलेक्शन किसी बढ़िया कॉलेज में, नहीं ऐसे नहीं होगी, क्योंकि उनको ऐसे बंदे चाहिए जो फोर्स की वैल्यू निकाल सके, कि एक आपको सिचुएशन देगा, कार चल रही है, एक्सेलरेट कर रही है, बताओ इस बंदे का मास इतना है, ये कितनी फोर्स पीछे लगी होगी कि ये 10 मीटर पीछे गिर गया, इससे सिलेक्शन होगी। इसका मतलब याद करने से तो नहीं होगी, कम से कम समझने से होगी। जब आप इन बातों को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? कुछ याद करने का नहीं है यहां पे, फिजिक्स में कुछ नहीं, सिर्फ समझना है, सिर्फ इमेजिन करना है, और इमेजिन करके एक सिचुएशन को इमेजिन करके वो कैसे रिएक्ट करेगा या क्या उसके आंसर्स होंगे वो आपको लिखना है, राइट। कोई ऐसी रॉकेट नहीं बनाते कि आपको यार बड़ी मुश्किल है यार फिजिक्स, कैसे मुश्किल है, ठीक सोच रहा है वो, कोई गलत नहीं सोच रहा, और अब हम भी ऐसे ही सोचेंगे आज के बाद, आप भी +1 में हुए, अभी 5.5 से पहले ऐसे नहीं सोच रहे थे, पर 7.5 के बाद 100% आप सोचेंगे यार जो कर रहा है ठीक ही किया उसने, अभी दिखाऊंगा कैसे। पॉइंट समझ में आया यहां तक? ओके, फोर्स की जब बात कर रहा था तो पता लगा कि सारी फोर्सेस बॉडी को धक्का नहीं मारती, कोई रोकती भी है चलने से, जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो नेक्स्ट चैप्टर का नाम आपका फ्रिक्शन। तो चैप्टर कैसे बन रहे, सिलेबस कैसे तैयार हो रहा है, नेक्स्ट अभी तक, और फोर्स फ्रिक्शन को करने में आपको कोई जून जुलाई, जुलाई तक तो चलेगा, एटलीस्ट जुलाई तक, जुलाई एंड तक चलेगा, अगस्त 1 तक आप लगा के चलो, मतलब इतना टाइम लगेगा इन चीज़ों को सीखने में, एकदम सीखना मतलब आपको आपका हाथ चलना चाहिए, राइट। मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं जो ना, ये छोटे इंटरवल में क्या किया वो एकदम ऐसे निकलेंगी आपसे। तो उसके बाद अभी तक जुलाई तक या अगस्त तक क्या होगा, आप देखेंगे कि बॉडी ना एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती जा रही है, गाड़ी चल रही है बस मूव कर रही है ऐसे या ऐसे, घूम नहीं रही। घूमने को बोलते हैं सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन। तो आपको अब चेंज करवाया जाएगा आपका सोचना कि अब हम सिर्फ लीनियर मोशन में काम करते हैं, अब हम सर्कुलर या रोटेशनल में जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर का नाम रोटेशनल या सर्कुलर मोशन आपको स्टडी करवाया जाएगा। और मेरा यह मानना है यहां तक जो कर गया सितंबर तक कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद ये इस तरीके से चलेगी, क्योंकि सारी चीजें नई है और नई चीज सीखने में टाइम लगता है। लेकिन रोटेशनल के बाद जो चैप्टर आएंगे उसके बाद इवन जो जितनी भी फिजिक्स आएगी वो आपको आसान लगेगी। उसका रीजन, क्योंकि अगला चैप्टर है ग्रेविटेशन। अब जो ग्रेविटेशन होता है उसमें क्या घूमते हैं, प्लैनेट्स,
मून, सन, ये सब घूम रहे हैं, राइट। अब होगा क्या, प्लैनेट्स घूम रहे हैं सन के आसपास, घूम रहे हैं, तो क्या कौन सा चैप्टर यूज होगा, अगेन रोटेशनल, रोटेशनल के कॉन्सेप्ट प्लैनेट्स पे लगते हैं, तो जिसको रोटेशनल आ गया उसको ग्रेविटेशन आ गया, तो अगला चैप्टर का नाम ग्रेविटेशन, राइट। अब यहां तक आप ऑब्जर्व करेंगे अक्टूबर तक कि हमने जितना भी, जितने भी फिजिक्स लगाई वो सॉलिड बॉडी पे लगाई, हमने लिक्विड या फ्लूइड्स पे नहीं लगाई। अभी नए नए चैप्टर आएंगे फ्लूइड्स में, पाइप जा रही है, नदी जा रही है, पानी बह रहा है, बताओ एक सेकंड में कितना पानी बह गया, आप हो गए नदी को देखते हुए, मैं क्या बताऊंगा यार एक सेकंड में कितना पानी बह गया, आपको क्या मशीन चाहिए मुझे, हाँ मशीन का नाम है वेंचुरीमीटर। ये मशीन कैसे बनती है, ये प्रिंसिपल आपको सिखाया जाएगा कि आप कैसे एक चलते हुए पानी का फ्लो मेजर कर सकते हो, कितनी स्पीड से पानी मूव कर रहा है, उसका कितना वॉल्यूम बह रहा है, सब पता लग जाएगा चलती हुई नदी से, ठीक। कंटेनर नहीं चाहिए, पहले नदी का पानी इकट्ठा करेंगे, फिर ऐसा कुछ नहीं चाहिए, कैलकुलेट हो सकता है। गैस है, गैस पाइप में जा रही है, कितना प्रेशर लगाएगी वो, सब कैलकुलेशन हो जाएगी इसमें। तो चैप्टर का नाम है प्रेशर, चैप्टर का नाम ही प्रेशर है क्योंकि वो प्रेशर, वॉल्यूम, लिक्विड, गैसेस को स्टडी करवाएगा। तो ये चैप्टर आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा, फ्लूइड्स एंड गैसेस का चैप्टर है। इवन इसे ये भी पता लगेगा कि आप एरोप्लेन, प्लेन का उड़ने का प्रिंसिपल क्या है, प्लेन के ऊपर पंखा नहीं होता, हेलीकॉप्टर की तरह उड़ता है, ऐसे इंजन लगा हुआ है, क्या इंजन नीचे ऐसे हवा मारता है नीचे प्लेन उड़ता है, नहीं, शेप की वजह से वो कह रहा है, उसकी शेप ऐसी है, सही पॉइंट है। तो वो शेप क्या है, क्यों ऐसी शेप बनाई जाती है, प्लेन बिलीव में सिर्फ भागता है, उसकी शेप ऐसी है, बस विंग फैलाए, स्पीड चाहिए उसे भागने के लिए, 250-300 किलोमीटर पर आवर, 600 किलोमीटर पर आवर, जितना भागेगा उतना स्लो करेगा, उतना ही नीचे आगे की तरफ उड़ता अपने आप ही है। तो चैप्टर आएगा जिसमें एक साइंटिस्ट सब बर्नौली, बर्नौलीज थ्योरम करके एक थ्योरम है, उसके बेस पे सारा काम चलता है, ठीक। तो जो एरोडायनामिक्स की तरफ जाना चाहते हैं, प्लेन्स और ये सब कुछ, उनको पता लगेगा कि चीजें उड़ती कैसे हैं बेसिकली, ठीक। उसके बाद जो आएगा लिक्विड्स पढ़ने के बाद आएगी हीट के बारे में स्टडी करवाया जाएगा, तो थर्मोडायनामिक्स करके एक यूनिट आएगा, चैप्टर तो नहीं कहूंगा, यूनिट के अंदर 5 चैप्टर्स हैं, थर्मो एक महीने का काम है, हीट सुनने में लगता है क्या हीट ही तो है, गर्मी मतलब इतना कॉन्सेप्ट है आपकी सोच के बाहर है, मतलब इतना है कि एक महीना लग जाएगा आपको सिर्फ हीट स्टडी करने में, और लास्ट में वेव्स आएंगी, मैं बात करता हूँ फोन पे तो वेव्स निकलती हैं, अब वो दिखती नहीं है, वो कैसे ट्रेवल कर रही हैं, साउंड कैसे ट्रेवल, मैं लेक्चर दे रहा हूँ इसमें क्या हो रहा है, एयर के पार्टिकल कैसे काम कर रहे हैं, मेरा माइक कैसे काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें वेव्स का प्रिंसिपल फॉलो करती हैं, जो वेव्स में आपको सिखाया जाएगा, राइट। ये प्लस वन का सिलेबस है, फिर क्लोज हो जाएगी प्लस वन, 30 जनवरी आ जाएगी, फरवरी के अंदर रिविजन चलेगी, मार्च में एग्जाम होंगे और एक राउंड खत्म हो जाएगा। प्लस टू इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है, ओम्स लॉ, ये वो इलेक्ट्रिसिटी, वो प्लस टू में चलता है, उसमें मैकेनिक्स नहीं है, उसमें ये चीजें नहीं है, राइट। मोशंस वाले पार्ट सारे प्लस वन में है, इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट प्लस टू में, तो ऐसे डिवीजन की हुई है। तो आई होप कि सिलेबस का आइडिया सबको हो गया और कहां से शुरुआत हुई वो भी पता लग गया कि एक्चुअल में कहानी कहां से स्टार्ट होती जा रही है और कैसे आगे साइंस बढ़ती गई। बहुत साल लगे, 1650 से स्टार्ट हुए हुए आज 2019 हो गया, अब बहुत तरक्की हो चुकी है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल चेंज नहीं हुआ। ओके, ये मैं लिस्ट दे रहा हूँ आपको, आप अपने फ़ोन नंबर वेरीफाई करेंगे और साथ में साइन करेंगे, वो अटेंडेंस मानी जाएगी, ठीक। यहाँ से पास कर दो, ले जाओ थोड़ी देर में ले जाओ। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर से। अब सिलेबस के बारे में बता रहे थे, तो आज के लेक्चर से स्टार्ट करेंगे और प्रॉब्लम यही रहेगी मेरी प्रॉब्लम आज के लेक्चर में अभी, और इसी को मैं कंटिन्यू करूंगा, राइट। तो अब जो हम लिखेंगे या जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा, आप लिख सकते हो कॉपीज के अंदर, क्योंकि सिलेबस तो क्या ही लिखोगे जो भी डिस्कस किया। हम बात करते हैं अपने इस प्रॉब्लम से, राइट। तो मैं स्टार्ट करता हूं, सपोज करो एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वही है कि किसी ने कहा एक कार है, ये कार यहां से यहां मूव करती है, और सपोज उसने डिस्टेंस 10 मीटर कवर किया इन टाइम टेकन 10 सेकेंड, सेम प्रॉब्लम है।
लेकिन फिजिक्स में प्रॉब्लम बताने और पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। कैसे रहता है? फिजिक्स में हम कोऑर्डिनेट्स में बात करते हैं। आपने ये भी सुना होगा एनडीए में जिनका क्लियर होता है वो क्या पायलट बनते हैं, फाइटर पायलट भी, और वो क्या बॉम्ब गिरना है, कोऑर्डिनेट्स हैं कि सही कोऑर्डिनेट्स पे बॉम्ब गिरा है नहीं गिरा, रॉकेट कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से उड़ता है। अब नीचे दिखता है नहीं कुछ भी, तो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे होते हैं और लोकेशन ट्रैक की जा सकती है किसी भी एनिमी के प्लेन की। ऐसे ही होता है ना, जो लड़ाई लड़ाई होती है सब ऐसे कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से। तो जो लोग उस लाइन में जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उनको यही लैंग्वेज यूज़ करनी है, और जो टेक्निकल मेडिकल में या कहीं भी जाना चाहते हैं अगेन उनको भी ये लैंग्वेज यूज़ करनी है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए किसी भी चीज़ की। इसीलिए आपको वो मैथ्स में वो ग्राफ प्लॉट करना सिखाते हैं, एक्स और वाई एक्सिस सारा कुछ। तो वही लैंग्वेज यूज़ करेंगे। मैं यूज़ करूँगा कि मान लो ये वाई एक्सिस है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, राइट, एक्स और वाई एक्सिस है, और सपोज ये बॉडी यहाँ से यहाँ आती है, ठीक है, यहाँ से एक पोजीशन दूसरी पोजीशन पे आती है। तो मैं ऐसे बात नहीं करूंगा ए पोजीशन से बी पोजीशन पे आती है, मैं बोलूंगा कि देयर इज अ रेफरेंस पॉइंट। अब जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं यहां से यहां आ गया, मैंने 10 मीटर कवर किया, ठीक है, आपने 10 मीटर कवर किया, भाई रेफरेंस पॉइंट तो बताओ। उस दीवार से रेफरेंस पॉइंट लूं या मैं उस दीवार से रेफरेंस पॉइंट लूं, मैं कहां से लूं? तो फिजिक्स में जब भी कोई बात होगी वो विद रिस्पेक्ट टू एक फिक्स्ड पॉइंट होगी। वो कुछ भी मान लो, जब कुछ समझ में ना आए तो वो ओरिजिन मान लो। तो हम क्या मानते हैं कि अगर एक कार खड़ी है यहां पर एक्स और वाई एक्सिस है, तो हम ये मानते हैं कि ये ओरिजिन है 0,0, दिस इज ओरिजिन, और ओरिजिन से ये किस एक्सिस पे खड़ी हुई है, एक्स एक्सिस पे, राइट। इनिशियली इसका एक्स का जो कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट समझते हो, x कोऑर्डिनेट मतलब x एक्सिस पे डिस्टेंस, तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू लेट अस सपोज 2 मीटर है। तो क्या मैं लिखूं x1 इज इक्वल टू 2 मीटर, क्लियर है, ठीक है। x एक्सिस का कोऑर्डिनेट 2 मीटर क्या होता है कि x एक्सिस के अलोंग 0 से स्टार्ट होते हुए अगर हम यहां तक जाएं तो ये डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है। कोई डाउट इसमें? तो लेट अस सपोज ये 2 मीटर है, तो x कोऑर्डिनेट एक कार का 2 मीटर है, और थोड़ी देर के बाद जब मैंने देखा तो इसका x कोऑर्डिनेट x2 मान लो 12 मीटर है। तो एक्स कोऑर्डिनेट कहां से कहां आ गया, फ्रॉम 2 मीटर टू 12 मीटर, राइट। तो रेफरेंस पॉइंट क्या है इसमें, ओरिजिन है। तो मेरा क्वेश्चन है कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, आंसर बोलो 10 मीटर, समझ में आया, क्योंकि मेरी कार तो यहां से यहां चली, वो अलग बात है कि रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि कार ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया इज x2 माइनस x1 का मतलब क्या हुआ, 12 में से 2 गया तो 10 मीटर। कोई डाउट इसमें, राइट। तो ये लैंग्वेज समझ में आ रही है कि आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, x कोऑर्डिनेट इनिशियल x फाइनल, माइनस करेंगे तो डिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड। पहला पॉइंट क्लियर है। जब कार यहां से चली तो उस केस में मान लो एक मिनट के लिए मैं कार के अंदर ही था और मुझसे पूछा कि आपने टाइम कितना लिया यहां से यहां जाने में, तो ठीक है मेरे हाथ में स्टॉप वॉच थी, मैंने उस वॉच को ऑन किया, स्टार्ट स्टार्ट, स्टॉप वॉच पे टाइम क्या था, वो गेम खेलते हो तो वॉच 0 से स्टार्ट नहीं करते मोबाइल की, 0 वही होती है स्टॉप वॉच, 0। तो T1 इज इक्वल टू 0, और मान लो यहां पर T2 की वैल्यू कितनी हुई, 10 सेकेंड, स्टॉप, तो टोटल घड़ी में टाइम क्या आया, 10 सेकेंड, तो टाइम टेकन 10 सेकेंड। पॉइंट क्लियर। तो टाइम टेकन यहां से यहां कैसे कैलकुलेट होगा, टाइम टेकन विल बी इक्वल टू व्हाट, T2 माइनस T1, दैट इज 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10 सेकेंड। कोई डाउट इसमें? एक स्टूडेंट बोला कि सर गड़बड़ हो गई, मैंने कहा बोला क्या, बोलता सर हुआ क्या, जब आपने ऐसे बोला ना स्टार्ट, मेरे हाथ में स्टॉप वॉच थी, मैं पहले गेम खेल रहा था, वो ना घड़ी का टाइम 0 नहीं था, घड़ी का टाइम ना वहां पर मैंने देखा 2 सेकेंड था। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर जब तूने स्टॉप की घड़ी तो बता कितना टाइम था, मैंने कहता 12 सेकेंड था। तो मैंने पूछा बता कितना टाइम तक कार चली ये बता, क्या बोलोगे, वो कैसे किया आपने, अगेन T2 माइनस। तो ये जरूरी थोड़ी ना है, फिजिक्स की प्रॉब्लम है कि घड़ी 0 से स्टार्ट होगी, फिजिक्स की प्रॉब्लम ऐसे चल सकती है, कार स्टार्ट स्टार्ट इट मोशन, मोशन स्टार्ट करती है, उस टाइम स्टॉप वॉच में टाइम 4 सेकंड था, और जब मोशन खत्म हुई टाइम 14 सेकंड था,
तो क्या प्रॉब्लम है, फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा, कोई डाउट इसमें? तो इसका मतलब बहुत सही फॉर्मूला बनाया, टाइम टेकन टू कवर दी जर्नी T2 माइनस T1, अगर तो जीरो से स्टार्ट हुआ तो सही, नहीं स्टार्ट हुआ तो कोई बात नहीं, T2 में से T1 माइनस करेंगे आंसर आएगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक डायग्राम बनाओ, फिर मैं इसकी और टर्म्स बताता हूं कैसे लिखेंगे। मतलब इसी को कंटिन्यू करेंगे, आगे लिखते जाओ, ये थ्योरी बनती जाएगी। किसी ने ऐसे तो नहीं सोचा था कि फिजिक्स की क्लास में ऐसे होगा, व्हाट राइट डेफिनेशन, एवरेज वेलोसिटी, ऐसा तो नहीं था? अच्छा ठीक है, 9th-10th में ऐसे करते हैं, मुझे पता नहीं 9th-10th के कैसे ऐसे पढ़ते हैं 9th-10th में, राइट डेफिनेशन, राइट थ्योरी, ओके। इसमें ऐसा नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग। स्कूल में कैसे लिखना है उसका एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट मैं आपको लिखना सिखाऊंगा जब टाइम आएगा, अभी नहीं। जो चीज़ें स्कूल में आएंगी वो पूरा बताऊंगा कैसे लिखना है, और जो कंपटीशन में है उसमें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग चाहिए बस। कंपटीशन में मज़े की बात यह है, जिसको समझ में आता है बस आपके सामने ही है यार, इसमें क्या ही याद कर लोगे। तो कोऑर्डिनेट्स पढ़ने तो आते ही होंगे, x2 और x1, तो उसमें क्या ही याद करना है, मज़े की बात है। फिर इसमें याद करने वाला कुछ है ही नहीं, बनाने वाला है सब कुछ, लाइव बनेगा और यहीं बनेगा। तो जिसको तो समझ में आ गई बस, उसको नींद नहीं आएगी, बस वो चीज़ें बनाएगा और अलग अलग चीज़ों से एक्सपेरिमेंट करेगा। ठीक, तो बहुत ध्यान से, बहुत आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है, रिलैक्स। और पेपर बहुत बेसिक आता है ये भी याद रखना, बहुत लोग ये भी कर लें, वो भी कर लें, और पता नहीं कौन कौन से मंत्र कर लें, और कौन सी किताबें ले लें, ये ले लें, वो ले लें, चंडीगढ़ जाएंगे, इधर जाएंगे, सक्सेस ढूंढने के लिए बस्ता उठा के दुनिया में घूमते हैं। पर मैं आपको एक सक्सेस का मंत्र बता देता हूँ, अपनी सोच, अंडरस्टैंडिंग की चीज़ें कैसे चलती हैं, प्रैक्टिस और कुछ नहीं, बस अंडरस्टैंडिंग। बेसिक कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा याद रखना कंपटीशन में, ये नहीं पूछा जाएगा कि रॉकेट कैसे बना, लिख के दिखाओ, बना के दिखाओ, ये पूछा जाएगा बहुत बेसिक कि कार इतने पे थी, इतने पे आ गई, कितने टाइम में, उसकी उस टाइम वेलोसिटी क्या थी, बस। तो जिसको डीप एनालिसिस पता है, बहुत छोटी छोटी चीजें पता है, उसकी सिलेक्शन ही होगी। ठीक, मैं आपको दिखाऊंगा, और जब स्टार्ट करेंगे हर चैप्टर के साथ साथ स्कूल लेवल क्या पेपर पूछता है, सभी स्कूल के एग्जामिनेशन के पेपर मेरे पास पड़े हुए हैं, जब स्कूल का एग्जाम होगा तो मैं पेनड्राइव में दूंगा आप लोगों को ऑलमोस्ट सभी, क्योंकि लोग देते रहते हैं ना, तो हम स्कैन करके एक पेनड्राइव में डालते रहते हैं, तो जिसको जो चाहिए, कोई मॉडल स्कूल में है, कोई प्राइवेट स्कूल में है, तो ऑलमोस्ट एक आइडिया हो जाता है उन पेपर्स को देख के कि पेपर कैसे आते हैं। तो स्कूल लेवल इज नॉट अ प्रॉब्लम, मैं आपको किताब भी दूंगा, करवाऊंगा भी अपने बुकलेट में कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैं पेपर से पहले सब तैयारी करवाऊंगा। कॉम्पिटिशन के लिए प्रैक्टिस है, बहुत प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस धीरे धीरे आपकी हैबिट डालूंगा। पहले सोचना, कैसे सोचना है, एक महीना तो ये लगेगा कि जैसे सोचा कैसे जाए अभी, क्योंकि देखना आपने ऐसा सोचा नहीं होगा, अभी मैं करवाऊंगा ना, आप सोचेंगे नहीं, ऐसे भी कोई सोचता है, अभी दिखाऊंगा कैसे सोचते हैं। ठीक, तो पहले ये आदत डालनी है कि ऐसे सोचना है, फिर प्रैक्टिस शीट्स आएंगी, धीरे धीरे आप यूज्ड हो जाएंगे। ठीक, एक दिन में तो नहीं होगा चेंज, बट इट विल टेक टाइम, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा आपके सोचने का जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? अब मैंने आपसे ये पूछा इसके अंदर कि टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कुछ भी कह लो, तो आपने क्या बोला, x2 माइनस x1, ये हम ऐसे क्यों बोलते हैं टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यार ऐसे बोलो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, कोई गलती नहीं है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट के अंदर आंसर क्या होगा, 10 मीटर, कार ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की, 10 मीटर, कोई दिक्कत नहीं इसमें, राइट? समझ में आ रहा है यहां तक? ऐसे क्यों बोला व्हाट इज टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट से कार कितनी दूरी पे थी, 2 मीटर, यार वो भी तो चल के ही आई होगी,
तो कोई कह रहे कि सर डिस्प्लेसमेंट तो 2 मीटर है, और फिर मैंने कहा कार कहाँ, अब फाइनल कहाँ पर है? वो कहता है यहाँ पर है। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट कितनी है? कहता 14 मीटर, 12 मीटर। मैंने कहा 12 कैसी हुई? वो कह रहे कार तो यहाँ से आई होगी ना। हाँ, ये तो कई आंसर हो सकते हैं। अगर कोई ये मानता है कि मैं तो अपने घर से ही कार चलाऊंगा यहाँ से, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लूंगा, तो वो तो ठीक है, सही बोल रहे ना 12 मीटर। पर मेरी प्रॉब्लम यहाँ से तो है नहीं ना कि ओरिजिन से क्या हुआ था, मेरी प्रॉब्लम है कि यहाँ से यहाँ क्या हुआ। तो ठीक है, आपने कहा टोटल चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। मैंने क्या बोला? टोटल चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। चेंज समझते हो, फाइनल माइनस इनिशियल। तो वो चेंज हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट पहले कितना था 2 या 2, अब कितना है 12, माइनस करेंगे तो चेंज आ जाएगा, और उसी को क्या बोलते हैं हमारी डिस्प्लेसमेंट। कोई डाउट इसमें? तो ये ठीक लिख रहा हूं, टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एक्स टू माइनस एक्स वन। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? 12 माइनस 2 यानी कि 10, तो 10 मीटर है। कहां से? ये बोलो ना, कहां से? ओरिजिन से 12 मीटर है। ए पॉइंट से बी पॉइंट से, ए पॉइंट से बी पॉइंट, तो 10 मीटर है। वो क्वेश्चन पूछने वाला बताए ना कहां से चाहिए डिस्प्लेसमेंट, मैं पूछ रहा हूं ए से बी, तो 10 मीटर है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? अच्छा, तो इसके अंदर टोटल चेंज इन टाइम तो क्या लिखेंगे? T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू यहां पर क्या है? 10, और यहां पर 0, तो कितना आएगा? 10 सेकेंड। यहां पर क्या आएगा? 10 मीटर। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? आप सोच रहे होंगे कि यार ये कोई पढ़ाने की चीज है, टोटल चेंज इन टाइम, टोटल चेंज, वो तो मैं 9th-10th से सीख के आया, उसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या नई बात है? नई बात यह है कि आज के बाद हम ये टोटल चेंज वर्ड नहीं लिखेंगे, आज के बाद इसकी जगह लिखा जाएगा डेल्टा एक्स। डेल्टा का मतलब टोटल चेंज, डेल्टा का मतलब टोटल चेंज। तो आज के बाद सीधा लिखेंगे टोटल चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, ये नहीं लिखेंगे। तो आप क्या लिखेंगे? डेल्टा एक्स। तो इसका मतलब क्या होगा? एक्स टू माइनस एक्स वन। कोई डाउट इसमें? और ऐसे टोटल चेंज इन टाइम को क्या लिखेंगे? डेल्टा टी। तो डेल्टा टी का मतलब T2 माइनस T1, लिखो डेल्टा एक्स डेल्टा टी। ठीक, मैं आपको बातों बातों में सिर्फ टर्म सिखा रहा हूं कि ये वर्ड्स कैसे एप्लीकेशन में यूज होते हैं। नहीं, लिखने को ऐसे भी बता सकता था डेल्टा टी टोटल चेंज होता है, क्या क्या बोर तरीका है बताने का, डेल्टा टी T2 माइनस टी, याद कर लो, ये आप यूज हो जाओगे ना एग्जाम्पल्स के साथ। नहीं, डेल्टा एक्स का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कितना चेंज हुआ। तो मेरा ये क्वेश्चन है, एक कार यहाँ से यहाँ आई, डेल्टा एक्स का मतलब कि चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स। आप डायग्राम से देख के बताओगे कि फाइनल एक्स कितना है? 12, इनिशियल कितना है? 2। तो डेल्टा एक्स का मतलब ये होता है एक्स टू माइनस एक्स वन। तो एक्स टू एक्स वन डायग्राम पुट देख के पुट करोगे तो डेल्टा वाई, डेल्टा वाई। ठीक है यहाँ तक? डाउट इसमें? ओके, अगर मैं टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करूं टोटल चेंज इन टाइम से, तो जैसे मेरे एग्जांपल में टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 मीटर। टोटल टाइम कितना है? 10 सेकेंड। तो बोलो क्या आएगा मेरे पास? एवरेज वेलोसिटी या स्पीड, जो मर्जी बोल सकते हो, एवरेज बोलना जरूरी होगा क्योंकि टोटल को टोटल से डिवाइड किया। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो इसको लिख लें, दिस इज एवरेज वेलोसिटी या स्पीड, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, हालांकि डिफरेंस होता है, बाद में बताऊंगा क्या डिफरेंस है। एवरेज वर्ड आएगा। कोई डाउट इसमें? ठीक, तो समझ में आ रहा है कैसे? तो फिर ये देखो, आज के बाद आपकी फिजिक्स की बुक एवरेज वेलोसिटी को लिखेंगी टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या है? डेल्टा एक्स, और यहां पर टोटल चेंज इन टाइम की जगह डेल्टा टी। तो ऐसे फिजिक्स की टर्म यूज होंगी, एवरेज वेलोसिटी इज डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। अब समझ में आ जाएगा क्या कहानी थी पीछे। ऐसे याद करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अब याद करने की जरूरत नहीं ना, अब पता है कि वो क्या लैंग्वेज यूज करेगा। पॉइंट समझ में आया यहां तक? ठीक, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, मतलब ये छोटी सी बात में बहुत बड़ी बात आ गई। डेल्टा एक्स का मतलब गाड़ी ने 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स वन भी एक्स टू भी, माइनस करोगे तो एक्स टू माइनस एक्स वन आएगा, तो गाड़ी की डिस्प्लेसमेंट आएगी, ऐसी गाड़ी का टाइम भी आएगा। पॉइंट सबको क्लियर है यहाँ तक? ओके,
यहां तक तो 9th 10th में वैसे भी आता था, एवरेज निकालने में प्रॉब्लम कहां थी? दो सिंबल ही तो सिखाए हैं अभी। प्रॉब्लम तो न्यूटन की कुछ और थी, वो तो कहता था कि ये तो गलत है क्योंकि एवरेज स्पीड से तो मैं घर से आया ही नहीं हूं, एवरेज स्पीड से नहीं आया, मेरी स्पीड तो हर इंस्टेंट पे क्या हो रही है, चेंज। अब उसकी प्रॉब्लम देखते हैं कैसे सॉल्व होगी। यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं। तो अब सबसे बड़ी बात कि जब ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो, या इस एवरेज की वेलोसिटी की जगह सेम प्रॉब्लम है कि जैसे मैंने बताया कि ये कार यहां से यहां आई और टोटल डिस्टेंस 10 मीटर ट्रेवल किया, इन टाइम टेकन 10 सेकेंड किया, तो अगर मैं 10 मीटर को 10 इस ड्राइवर के अकॉर्डिंगली इन्हें डिवाइड करूं तो 1 मीटर पर सेकेंड कौन सी वेलोसिटी आ जाएगी? एवरेज वेलोसिटी आएगी। तो इसका मतलब रियलिटी में ये जरूरी नहीं है कि मेरी कार 1 मीटर पर सेकेंड से ही ट्रेवल करती जा रही है। तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि सपोज करो मैं इसको 2 मीटर के इंटरवल में डिवाइड कर लेता हूं, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर एंड 2 मीटर एंड 2 मीटर। तो ये मैंने 10 मीटर को किया और जैसा मैंने बताया कि हो सकता है कि इसने ये 1 सेकेंड में कवर कर लिया, ये भी 1 सेकेंड में कवर कर लिया, ये भी 1 सेकेंड में कवर कर लिया, ये भी 1 सेकेंड में कवर कर लिया, कितने हो गए? 4। और हो सकता है ये 6 सेकेंड में कवर कर लिया। अब देखो ना, ड्राइवर तो वही कह रहा है कि टोटल टाइम टेकन 10 सेकेंड है, टोटल डिस्टेंस 10 मीटर है, तो एवरेज स्पीड तो 1 है, लेकिन अंदर जाके इंटरवल में देखेंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड है, इसके इंटरवल में देखेंगे 2 मीटर पर सेकेंड है, इधर देखेंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड है, इधर देखेंगे 2 मीटर पर सेकेंड है, और ऐसे इधर देखेंगे तो 2/6 यानी कि 1/3 मीटर पर सेकेंड है। अब वैसे ही मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर और इंटरवल डिवाइड करें, 2 मीटर को भी 1 1 मीटर में डिवाइड करें, हो सकता है हर इंटरवल की स्पीड डिफरेंट आ जाए। ऐसी 0.5 0.5 0.5 करेंगे तो हर इंटरवल की स्पीड डिफरेंट आ जाए, तो जितने इंटरवल तोड़ते जाएंगे उतनी स्पीड डिफरेंट आती जाएगी। पॉइंट समझ में आया यहाँ तक? न्यूटन की यही प्रॉब्लम थी और वो ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था एवरेज के साथ, क्योंकि एवरेज के साथ एग्जैक्ट रिजल्ट्स कभी भी मैच नहीं करते। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। तो अब न्यूटन ने क्या सोचा कि, और न्यूटन को क्या समझ में आया कि जितने छोटे इंटरवल होंगे उतनी एक्यूरेसी आती जा रही है, उतना इंस्टेंट पे काम होता जा रहा है और एग्जैक्ट वैल्यू पता लगती जा रही है। तो न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने सोचा कि क्यों ना इस एक्स इंटरवल को, जैसे ये डेल्टा एक्स है, मैं यहां से ये लिख लिया ना, ये वाला ये भी लिख लिया, ठीक है। तो न्यूटन ने क्या किया कि इस डेल्टा एक्स को, ये डेल्टा एक्स है विच इज इक्वल टू व्हाट, x2 - x1। तो ये मान लो कार यहां से यहां चलती है, सेम डायग्राम है जो भी मैं डिस्कस कर रहा था, और टाइम टेकन कितना है इसका, t2 - t1। तो उसको एक काम करना था कि टोटल चेंज इज डेल्टा एक्स एंड टोटल टाइम इज डेल्टा टी, तो सही रिजल्ट के लिए उसको इंटरवल ब्रेक करने थे और कितने? बहुत छोटे। क्योंकि डेल्टा एक्स आपको क्या दे रहा है, डेल्टा एक्स आपको क्या दे रहा है, टोटल चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स, पर टोटल चेंज वो नहीं चाहता, वो क्या चाहता है, स्मॉल चेंज। वो चाहता है कि डेल्टा एक्स मुझे टोटल चेंज ना बताओ, मुझे बहुत छोटा इंटरवल बताओ। और मैंने पूछा कितना छोटा, कहता इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा कि उससे छोटा ना हो। अब ये कैसा क्वेश्चन हुआ यार, उससे छोटा ना, क्योंकि इंटरवल तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, इसकी तो कोई, इसका तो अंत ही नहीं है कोई भी, ये भी ट्रू है बात। तो न्यूटन ने कहा फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप इसको इसका अंत नहीं करोगे तो फिर खत्म के एंड नहीं करोगे तो फिर खत्म कैसे होगी, क्योंकि आप तो इंटरवल सारी जिंदगी तोड़ते ही रहोगे तोड़ते ही रहोगे तोड़ते ही रहोगे। तो उसने एक नई चीज डिफाइन की, उसने कहा कि अगर डेल्टा एक्स टोटल चेंज है, उसने कहा मान लो कि मैंने इसका छोटा 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 इंटरवल लिया और डिफाइन करते हैं कि इससे छोटा इंटरवल दुनिया में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, उसको डिफाइन करते हैं कि कोई इससे नीचे और बात ना करे, ये मैंने दिखाने के लिए बनाया लेकिन एक्चुअल में दिखेगा भी नहीं, ठीक। तो उसने कहा कि इस इंटरवल को डिफाइन करेंगे बाय dx। अब लोगों ने पूछा dx ये क्या नया आइटम है, डेल्टा एक्स तो समझ में आया आया, x2 में x1, dx क्या चीज है? dx का मतलब है d स्टैंड फॉर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ x, d फॉर डेरिवेटिव, और किसका डेरिवेटिव है, एक्स का। और डेरिवेटिव समझते हो क्या होता है, डेरिवेटिव का मतलब होता है स्मॉल चेंज।
और कितना स्मॉल, इससे छोटा चेंज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। आपको इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू तो मेरे को भी नहीं पता क्या है, वो बताऊंगा अभी इसको कैसे सॉल्व करना है। बट इमेजिन करो कि डेल्टा एक्स अगर टोटल चेंज है तो छोटा 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 स्मॉल चेंज, इससे छोटा नहीं लेना, डिफाइन तो करना ही पड़ेगा ना। तो न्यूटन ने कहा इससे छोटा कोई नहीं है, तो स्मॉल चेंज को क्या नाम लिखेंगे, dx, राइट। डिफाइन किया उसने, और d फॉर डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव ऑफ x का मतलब क्या हुआ, स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ x। तो डेरिवेटिव वर्ड कभी भी आएगा, डेरिवेटिव का मतलब होगा स्मॉल चेंज, तो स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ x dx, स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ टाइम dt। जैसे टोटल टाइम टेकन पूरी जर्नी का बोलो कितना है, डेल्टा t, डेल्टा t का मतलब, डेल्टा का मतलब टोटल चेंज, लेकिन ये dx इंटरवल कितनी देर में कवर किया होगा उसने, डेल्टा t नहीं dt, ये dt का मतलब है स्मॉल चेंज, इससे छोटा चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो बहुत छोटे इंटरवल पे काम करना चाहता है, तो टोटल से तो नहीं करना। टोटल चेंज को क्या लिखेंगे, डेल्टा x एंड डेल्टा टी, स्मॉल को क्या लिखेंगे, dx एंड dt। क्या स्टेप समझ में आ रहा है यहां तक, dx एंड dt, कोई डाउट इसमें? तो dx और dt उसने डिफाइन किए, हमारे लिए नए हैं क्योंकि हम पहली बार क्लास में आए हैं, अभी यूज टू हो जाएंगे और मतलब सिखाऊंगा क्या मतलब है, आप प्लीज एक बार साथ में नोट कर लो इसे। तो डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब है टेकिंग स्मॉल चेंज, राइट। तो एक नई चीज पता लगी कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, टेकिंग स्मॉल चेंज, ठीक ठीक। और क्यों किया उसने ऐसा, क्योंकि वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा था, उसको बहुत छोटे इंटरवल लेने ही थे, बड़े इंटरवल में एवरेज वैल्यूज आ रही हैं, छोटा लेना पड़ेगा, और छोटे इंटरवल तो तोड़ते जाओ लिमिट नहीं है, तो उसने लिमिट बना दी कि बस ये लास्ट वैल्यू है dx और लास्ट वैल्यू है dt, बात खत्म, ठीक। अभी दिखाऊंगा इसको कैसे यूज करना है, ठीक। तो अभी सिर्फ डेफिनेशन है कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। जैसे सपोज करो, डेरिवेटिव को और बेटर समझते हैं, मान लो एक एक बकेट है, बाल्टी है पानी की, और ये भर रही है, पानी से भर रही है। तो मैंने किसी स्टूडेंट से ये पूछा कि ये बताओ कि इस बकेट में कितना पानी है, कितना पानी भरा, ऐसे पूछते हैं कितना पानी भरा। तो उसने बोला था देखो कुछ पानी तो इसमें था, तो इनिशियल वॉल्यूम इसके पास 2 लीटर था, पानी था, टैप से पानी और गिरता गया धीरे 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 धीरे, तो फिर इसका वॉल्यूम इतना हो गया। मैंने पूछा कितना हो गया, बोलता 4 लीटर हो गया। मैंने कहा ये बता कि टैप से पानी कितना भरा, ये मत बता पहले कितना था। उसने कहा ठीक है क्या होगा बोलो आंसर, V2 - V1 जो कि कितना आएगा 4 - 2 यानी कि 2 लीटर। तो मैंने कहा अच्छा तो डेल्टा वी निकाल रहा है, डेल्टा वी का मतलब टोटल चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा का मतलब टोटल चेंज इन वॉल्यूम। तो मैंने कहा इकट्ठा ही डाल दिया तूने 2 लीटर, कहता नहीं नहीं धीरे धीरे गिरा बूंद बूंद करके ऐड हुआ। अब मैंने कहा ठीक है ऐसे बूंद बूंद करके ऐड हुआ यानी कि स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। हाँ वो कहता ऐसे ही ऐड हुआ, देखो हम हिंदी में बोलते बूंद बूंद करके ऐड हुआ, फिजिक्स वाले बोलते हैं स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, स्मॉल चेंज। कैसे, डीवी 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 एंड टोटल चेंज बिकम डेल्टा वी, बूंद बूंद डेल्टा डीवी डीवी डीवी। जैसे एक गाड़ी चल रही है, टोटल डिस्टेंस इज एक्स, तो उसने कवर किया होगा स्मॉल चेंज डीएक्स, स्मॉल चेंज डीएक्स, स्मॉल चेंज डीएक्स 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 डीएक्स, ताकि टोटल चेंज क्या बन जाए एक्स। पॉइंट समझ में आया यहां तक? तो अगर मैं यहां से वहां जाता हूं कवरिंग का डिस्टेंस 10 मीटर, तो ऐसे नहीं बोलना सर ने 10 मीटर कवर किया, सर ने dx कवर किया, फिर dx कवर किया, फिर dx किया, दिखा नहीं सकता ना dx कितना है, चल के भी कैसे दिखाऊं, वो इतना छोटा है कि ना के बराबर है। पर हाँ मैं पहुंच जाऊंगा बोल देना, सारे छोटे छोटे इंटरवल ऐड किए, स्मॉल चेंजेस जब ऐड करेंगे मिलाएंगे तो 10 मीटर हो जाएगा। तो फिर कोई कहेगा कि किसने एक स्टोरी सुनी नहीं, वो ये बोल देगा सर ने टोटल चेंज 10 मीटर कवर किया, आपने सुन ली, आप थोड़ा ये कहोगे धीरे धीरे करके 10 मीटर कवर किया। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है, तो जो टोटल चेंज है वो 9/10 का काम है, वो तो खत्म हो गया। अब ऐसे ही स्टडी होगा, बाल्टी भी भरेगी तो डीवी स्मॉल चेंज स्मॉल चेंज स्मॉल चेंज स्मॉल चेंज, टोटल बिकम डेल्टा वी, राइट। गाड़ी चलेगी डीवी वेलोसिटी, देखो कोई कहेगा आपने क्या किया उसमें टेंथ में, एक कार चल रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, u is equal to 2, v is equal to 10, v is u plus 80, चल डन, फुल नंबर। ऐसे नहीं है,
गाड़ी वेलोसिटी 2 से 10 ऐसे थोड़ा ना कर लेती है, ये तो बीएमडब्ल्यू भी नहीं कर पाएगी थी, तो शायद मैं भी कर पाए कुछ सेकंड में या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। 2 से 10 कैसी हुई होगी? 2 से 10 का मतलब है एक कार की स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड, एकदम थोड़े ना हुई, थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ। हाईवे पे गाड़ी चलती है, बाइक चलाते हो तो एकदम ही मतलब 0 से 60 स्पीड एकदम हो जाती है, ऐसे कैसे होती है? पहले 0 से 1 होती है, 1 से 2 होती है, मतलब पहले डीवी चेंज होता है। डीवी का मतलब स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, मतलब 1 मीटर पर सेकंड से मान लो 2 में। पर प्रॉब्लम है ना, मैं वैल्यू लिख रहा हूं, कोगे सर वैल्यू बता दी आपने, और डीवी की वैल्यू न्यूटन ने डिफाइन कहां की, ये तो मन में सोचना है। डीवी का मतलब जैसे इमेजिन करो एक स्मॉल चेंज बढ़ गई, फिर और डीवी बढ़ गया, और बढ़ गया डीवी, और बढ़ गया चेंज इन वेलोसिटी, फिर देखा कि 60 की स्पीड हो गई, फिर आप बोलोगे टोटल चेंज क्या हो गया? डेल्टा वी हो गया। पॉइंट समझ में आया यहां तक कि हमने जो काम करना है वो डेल्टा पे नहीं करना, हमने काम स्मॉल पे करना है, धीरे 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 धीरे। क्या हुआ? पॉइंट समझ में आया यहां तक? तो हम हर चीज का क्या लेंगे? डेरिवेटिव। तो अब जब तक हमें डेरिवेटिव लेना नहीं आएगा, ये होता क्या है? फिजिक्स नहीं सॉल्व होती, पक्की बात है, क्योंकि मैं तो कह रहा हूं हर चीज में स्मॉल आएगा तो डेरिवेटिव आएगा। डेरिवेटिव कैसे सॉल्व होते हैं, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, ये मैथ्स की ब्रांच में जाके शुरू होगा। अब यानी कि फिजिक्स नहीं चलेगी जब तक आपको क्या नहीं आएगा? डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव कैलकुलस की ब्रांच से आता है, तो ये सारी फिजिक्स रुक जाएगी। टू बी कॉन्टिन्यूड करके छोड़ दूंगा आज मैं, फिर मैथ सिखाऊंगा, फिर उस कॉन्टिन्यूड वाले उस जहां मैं छोड़ूंगा लिंक को फिर ज्वाइन करूंगा, फिर आप कहोगे ओह ये पिक्चर है, ये तो बहुत जबरदस्त पिक्चर है, ठीक। और पता भी नहीं लगेगा काइनेमेटिक्स जो ब्रांच जो एक महीने बाद स्टार्ट होनी है, आपको बातों बातों में कैलकुलस के साथ ही उसको मर्ज करके आपको सिखा दूंगा, और उस दिन आपको रियलाइज होगा जब प्रॉब्लम्स आएंगी रियल टाइम प्रॉब्लम कि मुझे आती हैं, आपको अभी नहीं पता लगेगा, आपको धीरे 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 धीरे। दो चैप्टर्स मैं दो कहूंगा ओ सर दो चैप्टर करा दिए यार, ओहो ये तो बड़ा टफ है, नहीं आपको पता भी नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि कायदे से बुक बोलती है पहले मैथ सीख लो। मैथ्स में क्या प्रॉब्लम? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, चल आंसर आंसर। अगर ये शुरू कर दूंगा ना फॉर्मूले लिखवा के, ये कैसी फिजिक्स है यार, घर से सोच के आए थे कि पता नहीं क्या साइंस होगी, ये क्या करे जा रहे हैं, ये तो अलजेब्रा ही चलाए जा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आएगा। तो फिजिक्स के साथ इंटीग्रेट करके दिखाऊंगा, फिर समझ में आएगा अच्छा ये इसलिए है, ताकि आपको रीजन पता लगे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये प्रॉब्लम समझ में आई यहाँ तक? तो सोल्यूशन क्या निकला? टेकिंग डेरिवेटिव, टोटल चेंज तो निकालना आता ही है, डेरिवेटिव क्या देगा आपको? स्मॉल चेंज देगा, ठीक है। यहाँ तक मैं खड़ा था, बाल्टी भर रही थी, मैंने पूछा यार ठीक है बाल्टी भर गई, 2 लीटर भर गई, डेल्टा भी 2 लीटर आ गया। हाँ 2 लीटर आ गया, कैसे? बूंद बूंद करके। मैंने कहा हाँ डीवी 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 चेंज इन वॉल्यूम आता है, कहता हाँ वैसी वैसी। मैं कितनी देर में बाल्टी भरी है तो बता, टाइम तो बात ही नहीं कर रहा, 10 दिन में भरेगा कि 2 मिनट में भरेगा? अब टाइम भी तो मेंशन करोगे कि सारी जिंदगी एक बकेट लेके बैठ जाओगे और बंदा चाहे नलका ना चलाए और मरते दम तक 2 लीटर पानी इकट्ठा हो, बस फिर तो होगी फिजिक्स सॉल्व। टाइम भी तो मेंशन करोगे कि कितनी देर में बाल्टी भरी, ताकि न्यूमेरिकल आगे भी तो चलाएं। बाल्टी भर के क्या करेंगे यार, उसको भरने का टाइम भी तो कैलकुलेट कर लें। तो टाइम उसने कहा सर टाइम जो है ना उसको 2 सेकंड लगे भरने में। अच्छा, मैंने कहा 2 सेकंड लगे तो तेरे 2 सेकंड मतलब चुटकी बजाती होगी कि नहीं? कहता 2 सेकंड 2 सेकंड में पूरे होंगे। तो मैंने कहा फिर 2 सेकंड में 2 लीटर कैसे भरा? कहता टाइम इंटरवल सोचो, 0.00001 सेकंड में टीवी वॉल्यूम गिरा। अच्छा बूंद गिरा, मैंने कहा छोटा वॉल्यूम गिरा होगा। फिर अगले 0.00001 सेकंड में अगला एक बूंद गिरा होगा। अच्छा, मैंने कहा ये बोलना चाहता है कि टोटल टाइम डेल्टा टी तेरा 2 सेकंड है, और ये जो जो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम क्या होगा? डी टी। टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ टाइम, समझ में आया? स्मॉल चेंज इन टाइम। अच्छा, मैंने कहा ये बोलना चाहता है कि छोटे इंटरवल डी टी में छोटा वॉल्यूम डीवी गिरा। हाँ यही बोलना चाहता हूँ, वो कहता है ठीक है। तो मैंने कहा फिर ये तो बता दे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या है, 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम गिर रहा है? तो कहता है ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप एक काम करो 2 लीटर को कितनी देर में टैंक भरा? 2 सेकंड, डिवाइड कर लो 1 लीटर पर सेकंड। फिर मैंने कहा तेरे को फिजिक्स सिखाने की क्या जरूरत है, तू मेरे को क्या दे रहा है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड? उसने कहा नहीं, एवरेज वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, क्योंकि तू टोटल को टोटल से डिवाइड करेगा तो वैल्यू क्या आएगी? एवरेज। और मुझे एवरेज नहीं चाहिए, मुझे तो इंस्टेंट चाहिए कि किसी इंस्टेंट पे क्या हुआ। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप ऐसे कर लो,
छोटा वॉल्यूम कितना है डीवी और कितनी देर में भर रहे है डीटी। तो डीवी बाई डीटी का मतलब कि कितना वॉल्यूम भर रहा है कितने टाइम पे किसी भी इंस्टेंट पे, ये नहीं है एवरेज नहीं हो सकता ये। तो पॉइंट समझ में आया कि ये कहानी कहां पे रुक गई, कहां पे रुकी, यहां तक अगर मैं एवरेज कहूंगा तो आपको कोई डेरिवेटिव नहीं चाहिए, आपको टोटल बाय टोटल डिवाइड कर देना है। लेकिन अगर मैं स्मॉल इंटरवल दूंगा और उसमें पूछूंगा वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, फिर आपको क्या लेना पड़ेगा डेरिवेटिव, और मैं आपको प्रॉब्लम में स्मॉल ही दूंगा, टोटल नहीं दूंगा, कभी कभी दे दूंगा जो पेपर साथ डालना होगा। पॉइंट समझ में आया यहां तक, डिफरेंस बोलो। वो कोई बात नहीं, वो भी हवा में चल रहा है, क्योंकि डीवी बाई डी टी होता क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, ये मन में आ रही है करूं क्या इसका, ऐसी रखो, यहां लिख देंगे टू बी कॉन्टिन्यूड। मैथ सीखे आएंगे ना, मैथ्स में ऐसे चलेगा, अभी थोड़ी देर में वो सीखने के बाद फिर करके दिखाऊंगा कि इसकी वैल्यू क्या होती है, नहीं सिखा पाऊंगा, ये तो सिखा रहा हूं आज के लेक्चर में। फिजिक्स रुक गई, फिजिक्स रुक जाएगी, इसके बाद जब आप कहोगे सर आगे क्या, फिर क्या मतलब ये आंसर है, नहीं इसकी वैल्यू बताऊंगा मैं आपको, पर कैसे बताऊंगा उसके लिए मैथ्स है। रुक गया प्रॉब्लम, नहीं समझ में आया छोड़ दिया, चलो सोचा मोशन ही कर ले और ना सही, तो फिर न्यूटन की वही थ्योरी मोशन वाली, जिसके अंदर उसने क्या कहा था, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम एवरेज वेलोसिटी है, पर एवरेज निकालना कौन चाहता है, वो तो बहुत छोटे इंटरवल पे काम करना चाहता है। तो छोटे इंटरवल के लिए उसने क्या किया, छोटे इंटरवल के लिए अगर ये टोटल एक्स है या डेल्टा एक्स है टोटल चेंज, तो बहुत छोटा इंटरवल कैसे डिफाइन किया dx, इससे छोटा एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और कितनी देर में कवर किया डेल्टा टी नहीं dt। तो अब इसको अगर डिवाइड करेंगे कैसे, dx बाय dt आ जाएगा, तो क्या आएगा, इस इंस्टेंट की वेलोसिटी आएगी, बस इसकी आएगी, आगे पीछे की नहीं आएगी। अगर आप अगले इंटरवल की निकालना चाहते हो फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, अगला dx कवर्ड इन टाइम dt। अब क्या पता वो कितनी वैल्यू चेंज करता हो, कितना टाइम चेंज करता हो, तो इससे छोटा इंटरवल हो नहीं सकता, तो उसने पूरे डेल्टा चेंज को छोटा छोटा dx dx में डिवाइड कर लिया, इससे छोटा नहीं हो सकता, टाइम को भी डिवाइड कर लिया, इससे छोटा नहीं हो सकता। अब वो इंटरवल में वेलोसिटी निकालता जा रहा है, इस इंटरवल में इतना, इसमें इतनी, इसमें इतनी, तो ये क्या आएगी, कोई बताएगा, वेलोसिटी तो है, कौन बोला इंस्टेंटेनियस, कौन बोला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बिल्कुल सही। तो ये कौन सी वेलोसिटी आएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये क्या होती है, ये क्या होती है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। चलो करते हैं, इंस्टेंटेनियस का मतलब, चलो ठीक है आप कार में बैठ जाओ और मैं यहां गाड़ी चलाऊंगा, तो सामने स्पीडोमीटर है, स्पीड में चलो डिजिटल है, वैल्यू आएगी, ठीक है कार स्टार्ट हो गई, इस टाइम स्पीड जीरो है, तो मीटर पे स्पीड क्या है, जीरो। आप प्लीज स्टॉप वॉच हाथ में रखना, तो आप एक कॉपी भी रख लेना, आपने नोट किया एट t इज इक्वल टू जीरो कार की स्पीड इज जीरो, एक इंस्टेंट खत्म हो गया, तो आराम से सो जाओ, थोड़ी देर में उठाऊंगा, जर्नी स्टार्ट हुई अभी तो हाईवे की, एक घंटे बाद देखा या 50 सेकंड पे देखा, 50 सेकंड पे देखा कि आंख खोल के स्पीड क्या है, देखा स्पीड तो होगी 100 मीटर पर सेकंड, नोट कर लो 100 मीटर, तो उस इंस्टेंट 50 सेकंड पे स्पीड कितनी है, हम बोलेंगे उस इंस्टेंट 50 सेकंड पे स्पीड इज 100, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है एट टाइम t इज इक्वल टू 50 सेकंड। अब अगले सेकंड पे क्या देखना पड़ेगा, कहने का मतलब हर इंस्टेंट पे डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज आ सकती है, ड्राइवर पे डिपेंड करता है कि वो स्पीड क्या रखेगा, कभी ज्यादा रखेगा कभी कम रखेगा, तो आपके पास कोई तरीका नहीं, आप सिर्फ कॉपी में नोट ही कर सकते हो, इस इंस्टेंट पे ये, इस इंस्टेंट पे ये, इस इंस्टेंट पे ये, बिल्कुल वैसे ही इस टाइम इंटरवल में ये वेलोसिटी है, अगले इंटरवल में ये वेलोसिटी है, अगले में यार फॉर्मूला तो वही रहेगा, वैल्यू तो दे ही नहीं रहा, dx एंड dt विल चेंज, dx की वैल्यू ज्यादा कम हो सकती है, dt की वैल्यू ज्यादा कम हो सकती है, तो इसलिए हर इंस्टेंट की स्पीड चेंज हो सकती है, तो इसलिए इसका नाम क्या रखेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और न्यूटन निकालना चाहता था किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी, न्यूटन चाहता था कोई मुझे कहे कि बिना कार को चलाए कि 50 सेकंड पे कार की वेलोसिटी बताओ क्या होगी, वो फटाफट बता दे 50 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी, वो 50वें सेकंड पे जाके इंटरवल लेगा, उसको टाइम से डिवाइड करेगा, आंसर आएगा। कोई कहेगा 80 सेकंड पे वेलोसिटी बताओ, तो 80 सेकंड पे जाके इंटरवल लेगा, टाइम लेगा, चाहे वो छोटा इंटरवल है, आंसर आएगा। यानी कि वो क्या निकालना चाहता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कोई डाउट इसमें, क्लियर? तो आज के बाद अगर फिजिक्स की कोई बुक लिखती है व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। अगर लिखेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो क्या लिखेंगे, डीएक्स बाय डीटी, चाहे हमें यह ना पता हो कि डीएक्स बाय डीटी होता क्या है,
हाँ हमें नहीं पता डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, ना मैंने आपको डी एक्स बताया ना मैंने आपको डी टी बताया, तो यहाँ पर फिर एक प्रॉब्लम आ गई। न्यूटन और हम दोनों रुक चुके हैं, हमें नहीं पता इसका आंसर क्या होगा, मैं आंसर दे नहीं पा रहा ना, वैल्यू तो नहीं बताई मैंने, तो अभी यहाँ छोड़ना पड़ेगा। बोलो जस्ट इमेजिन करो आ सकती है वो dx by dt सेम लग रहा है, x इज अ वेरिएबल t इज अ वेरिएबल एक्चुअली, dx dt चेंज है, dx का मतलब है चेंज इन वैल्यू ऑफ x। अब चेंज इन वैल्यू ऑफ x ये बोलता है कि जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो 0.1 मीटर आ रहा है, लेकिन जब ये कैलकुलेट कर रहा है इसके लिए 0.2 मीटर आ रहा है, इट कैन चेंज, इट्स अ वेरिएबल। अगर कांस्टेंट होता फिर तो मैं वैल्यू बता देता ना, फिर तो आंसर सेम ही आ जाता। तो इसकी वैल्यू क्या होगी मैं आपको बता नहीं रहा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो मुझे अभी मैथ्स के साथ बतानी है। तो मेरे कहने का मतलब आप यहां तक तो समझ गए बात, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे कि एग्जैक्टली ये काम कैसे करेगा। इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन है कि वैल्यू दिखेगी तब तो समझू भी कि चेंज भी हो रही है या कॉन्स्टेंट है। तो इसीलिए इसके बाद मैंने फिर स्टार लगा दिया और क्या बोल दिया, टू बी कॉन्टिन्यूड। तो मैं नहीं कर पाऊंगा, कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। वैल्यूज के साथ अगर देखना चाहते हो तो क्या सीखना पड़ेगा, मैथ्स, और मैथ्स का कौन सा कौन सी ब्रांच, कैलकुलस। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं अब पहला चैप्टर, पहला टॉपिक कैलकुलस, इसको छोड़ने वाले हैं, लेकिन जब कैलकुलस कंप्लीट होगा दो लेक्चर के बाद फिर इसको यहीं से पकड़ने वाले हैं सेम एग्जांपल से। और फिर ये बताना चाहता था, मेरे पास बताने के लिए अगर चार शब्द होते या 15 मिनट चाहिए होते मैं कब का बता चुका होता। तो दो लेक्चर के बाद ही पिक्चर क्लियर होगी कि अच्छा ये थी, ये तो कमाल की चीज है। ठीक, मैं आपको फॉर्मूला इसको कैसे करते हैं आपको बताऊंगा, अभी तक नहीं बता पाया। डन, यहां तक छोड़ दें, लेकिन dx by dt ओके, लिखना चाहते हो कुछ तो लिख सकते हो, ये तो कोई बात नहीं, बट dx by dt इंस्टेंटेनियस तक तो लिख लो, यहां तक लिख लो, यहां तक लिख लो। और सबसे मजे की बात है याद करने वाला तो कुछ है ही नहीं, घर जाओगे तो क्या पढ़ोगे, कुछ भी, अगले लेक्चर में कुछ काम दूंगा वो कर सकते हो, और वो भी मजे की बात है, याद तो कुछ करना ही नहीं, लाइव है बस, सीधा वहीं बनाना है वहीं आंसर आ जाएगा। बस ऐसी ही प्रॉब्लम्स सॉल्व करने को आती हैं किसी भी कॉम्पिटिशन या किसी भी पेपर में, कि आप एक्चुअल सिचुएशन समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे। ठीक, चले आगे। तो अब अभी तक हमने क्या सीखा, दो लाइन में अगर लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी टोटल चेंज इन एक्स बाय टोटल चेंज इन टी। डन, नेक्स्ट अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो बोलो क्या, dx by dt, राइट, और अगर मैं अकेला dx लिखता हूं तो d स्टैंड फॉर डेरिवेटिव ऑफ x, दैट इज स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ x। डन, ठीक है यहां तक। कई बुक्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ऐसे लिखती हैं, मैं भी ऐसे लिखता हूं, ऐसे ही लिखूंगा, बट कई बुक्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ऐसे लिखती हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। अब वही है, तो तेरे से क्या बोल रहे हो, आधा घंटा हो गया मैं सुनते हुए, तो डिफरेंट होता है ये और ये में, कुछ तो फर्क होता होगा, लेकिन अभी खत्म नहीं किया, खत्म नहीं किया। डेल्टा टी की वैल्यू अप्रोचेस टू जीरो, मैंने बिल्कुल नहीं लिखा डेल्टा टी इक्वल टू जीरो, अगर मैं ऐसे लिखता ना तब आप कहते सर आपने इक्वल टू जीरो कर दिया, और डिनोमिनेटर में जीरो इज नॉट अलाउड। मैथ्स में एक टॉपिक है जिसको लिमिट बोलते हैं, लिमिट ऐसे लिखता है, लिमिट लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो का मतलब ये होता है कि डेल्टा टी इज वेरी 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 स्मॉल, अप्रोचेस टू जीरो समझते हो,
इसकी वैल्यू 0.00000000 पता नहीं, मन जितने लगाने हैं लगाओ, जीरो एंड में वन, मतलब इससे छोटा नहीं हो सकता। तो मतलब अगर मैं ये बोलता हूँ कि डेल्टा टी अकेला लिखता हूँ, आप बोलते हो टोटल चेंज, यार ये तो जीरो नहीं है, ये तो स्मॉल नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं इसके पैर में लिख देता हूँ कि डेल्टा टी अप्रोचेज टू जीरो, इसका मतलब दिस इज वेरी 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 स्मॉल बट इज अप्रोचिंग टू जीरो, जीरो के करीब लेकिन जीरो के इक्वल नहीं, यानी कि वेरी वेरी स्मॉल। ऐसा लिखने की बजाय ऐसे ना लिख दे, एक ही बात है। तो ऐसे लिखा और ऐसे लिखा कोई फर्क नहीं है, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो क्यों लिखते हो, सीधा लिख दो डीटी। पॉइंट समझ में आया? तो न्यूटन ने यही कहा कि डेल्टा टी जीरो के करीब है, इसका एक नया सिंबल ही बना दिया डीटी, एक ही बात है। पॉइंट समझ में आया यहां तक? तो यह भी समझ में आ गया कि ऐसे लिखो लेकिन मेंशन कर दो डेल्टा टी इज अप्रोचिंग टू जीरो। आप कहोगे फिर डेल्टा एक्स नॉट जीरो, जब टाइम ही छोटा इंटरवल दे रहे हो तो डेल्टा एक्स तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही छोटा ही बन जाएगा, एक ही बात है। तो हम मैथ्स में सिर्फ लोअर डिनोमिनेटर को ही अप्रोचिंग टू जीरो लिखते हैं, ऊपर वाले को लिखते नहीं। तो ये लिखा और ये लिखा बात एक ही है, ये लिख लो एक मिनट, इसमें कोई फर्क नहीं है। मैं लिखूंगा नहीं, मैं लिखूंगा डी एक्स बाई डी टी, ये डिफरेंस समझ में आ गया। देखो मैं फिर कह रहा हूं, डेल्टा टी अगर अकेला लिखते हैं टोटल चेंज, डेल्टा टी ऐसे बोले डेल्टा टी बहुत 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 छोटा, सीधा बोलो ना यार डीटी, बस यही है इसका मतलब। पॉइंट समझ में आया? बट क्योंकि बुक्स ऐसे लिखती हैं फिर हमें कहे लगेगा वो यार एक पता नहीं कौन सा मैथ कर रहा है, क्या यूज कर गया समझ में नहीं आई, तो कुछ नहीं यूज कर रहा, वो एक ही बात है। पर ज्यादातर बुक्स ऐसे ही चलती हैं, हम भी ऐसे चलेंगे। एक आध ऑथर है जिसको शौक है ज्यादा मैथ्स यूज करने का, वो फिर ये लगा देता है, फिर मतलब उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए कि ऐसे बोलता है वो। पॉइंट समझ में आया यहाँ तक? लेकिन ठीक, तो प्रॉब्लम फिर फंस गई, डी एक्स बाई डी टी नहीं समझ में आ रहा आगे क्या करना है, वैल्यू दिख नहीं रही, तो इसलिए इस टॉपिक को हम यहाँ पर बंद कर रहे हैं और टू बी कॉन्टिन्यूड कर रहे हैं, और वापस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, लेकिन अब क्या सीखे? कैलकुलस। तो स्टार्ट करो कैलकुलस। कैलकुलस मिटा दो, ये मिटा दो, देखो कितने लोगों ने स्कूल्स ज्वाइन कर लिए हैं, अच्छा बहुत सारे लोग हैं। अब कैलकुलस के अंदर ये बहुत बड़ी ब्रांच है, जैसे मैंने बताया कि इसके दो सब पार्ट्स हैं,
पहला डिफरेंशिएशन और दूसरा इंटीग्रेशन. डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. क्या होती है डिफरेंशिएशन, क्या होती है इंटीग्रेशन, ये बहुत बड़ी टर्म्स हैं. तो क्योंकि इंटीग्रेशन हमने, क्योंकि डिफरेंशिएशन करने में 3 लेक्चर लगेंगे, नेक्स्ट और मे बी उससे नेक्स्ट, और इंटीग्रेशन करने में 2 लेक्चर लगे, 5 लेक्चर का टोटल काम है कैलकुलस का, अबाउट 10 दिन लगेंगे इसको करने में. मतलब करने का मतलब हाथ चलेगा एकदम तेज वो करना. तो 10 दिन लगेंगे और स्टार्ट हम डिफरेंशिएशन से ही करेंगे. इंटीग्रेशन जब करनी होगी उस टाइम समझाऊंगा क्या होती है. तो अभी आज किससे स्टार्ट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन वर्ड डेरिवेटिव से आया हुआ है और डेरिवेटिव का मतलब स्मॉल चेंज. तो जैसे अगर मैं ये लिखता हूं कि टोटल चेंज एक्स है या डेल्टा एक्स है, तो स्मॉल चेंज मैंने क्या लिखा, डीएक्स. अब फिर सेम प्रॉब्लम, कोई कहता है सर मैंने डीएक्स कवर कर लिया. मैं कहा अच्छा डीएक्स कवर कर लिया, तो फिर कहते मेरी स्पीड निकाल दो. मैं टाइम बता, तो पूरी जिंदगी लगा देगा डीएक्स कवर करने में, बैठा ही रहेगा वहीं पर. तो अच्छा वो टाइम चाहिए, टाइम चाहिए डीटी, तो मैं निकाल पाऊंगा वेलोसिटी. तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इन्हें डिवाइड. तो ये टर्म क्या आएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो एक्चुअल में इसको बोलते हैं कि मैं क्या निकालूंगा, इसमें मैं निकालूंगा डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ, टू फाइंड रेट ऑफ चेंज लिख लो बस, आगे बताता हूं ऑफ क्या करना है. रेट ऑफ चेंज, रेट समझते हो कि ये आपने क्या निकाला, स्मॉल चेंज, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू क्या निकाला, टाइम, कितने टाइम में कितना चेंज है, कितने टाइम में कितना चेंज है, ये निकल रहा है ना कि नहीं निकल रहा. तो बेसिकली आप क्या निकाल रहे हो, रेट ऑफ चेंज. हाँ अगर मैं ये लिखता हूं, ये देखो ये रहा, तो इसमें क्या कर रहे हो, टोटल चेंज बाय टोटल टाइम, ये भी रेट है लेकिन ये एवरेज है, ये एवरेज है. पर हम क्या निकालना चाहते हैं, किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे चेंज. तो हम क्या करते हैं, इसे डिवाइड करते हैं. तो एक्चुअल में डिवाइड नहीं करते, हम क्या करते हैं, इसे डिफरेंशिएट करते हैं. क्योंकि डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है, फाइंडिंग रेट ऑफ चेंज. तो हम क्या निकाल रहे हैं, वी आर फाइंडिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स. हम क्या निकाल रहे हैं, डी का मतलब डेरिवेटिव, डी का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव. डेरिवेटिव ऑफ एक्स का मतलब फाइंडिंग स्मॉल चेंज इन एक्स. तो डीएक्स का मतलब स्मॉल चेंज इन एक्स, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि स्मॉल टाइम में वो स्मॉल चेंज क्या है, इसको क्या बोलते हैं, फाइंडिंग रेट ऑफ चेंज. और रेट ऑफ चेंज चेंज भी हो सकता है, गाड़ी तेज चल रही है, गाड़ी स्लो चल रही है, तो रेट बढ़ रहा है, रेट कम हो रहा है, डिपेंड करेगा ना. मान लो डीएक्स की वैल्यू डिफाइन कर नहीं सकता वैसे मैं, पर एग्जांपल के लिए 2 मिनट करना चाहता हूं. डीएक्स मान लो 4 है, 4 तो बहुत बड़ा है, ये तो दिखता भी नहीं, 0.000 मैंने बताया सिर्फ समझाने के लिए, ठीक. डीएक्स की कोई वैल्यू ज़ूम करके दिखा दी मैंने, डीएक्स कुछ भी 4 है और कितने टाइम में, 2 सेकंड में. डीएक्स 3 है कितने टाइम में, 2 सेकंड में. डीएक्स 2 है कितने टाइम में, 2 सेकंड में. अब देखो ना रेट चेंज हो रहा है, डीएक्स बाई डीटी की वैल्यू कैन चेंज, डिपेंड कर रहा है कि गाड़ी किसी भी इंस्टेंट पर कैसे अपनी स्पीड चेंज कर रही है. तो हम इसको डिफाइन वैल्यूज के साथ तो कर नहीं सकते, मैंने बताया ये क्या करना है, ये बात की बात है. बट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, फाइंडिंग रेट ऑफ चेंज. क्लियर यहां तक? तो डी फॉर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब फाइंडिंग स्मॉल चेंज, और डी एक्स बाई डी टी का मतलब डिफरेंशिएशन का मतलब रेट ऑफ चेंज. दोनों में डिफरेंस समझ में आया? तो अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो बस स्मॉल चेंज, बस अगर डिवाइड कर दिया इसका मतलब आप विद रिस्पेक्ट टू क्या निकाल रहे हो, टाइम निकाल रहे हो, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब फाइंडिंग रेट ऑफ चेंज. राइट, यहां तक क्लियर है? ठीक, आपने वेलोसिटी की डेफिनेशन सुनी है. वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, क्या ऐसे करवाते हैं आपको, मुझे मालूम है 9th-10th में वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसा होता है कुछ कि यही करते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल बाय टोटल करते हैं कि बस डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. अगर आपसे कोई पूछे, मुझे मालूम नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, आंसर क्या होगा, अपनी पुरानी नॉलेज से क्या आंसर होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम यानी कि एवरेज है, और ओके यही है.
चलो वो तो एक डायरेक्शन होगी, रेट ऑफ चेंज पढ़ाया जाता है कभी? ऐसे डेफिनेशन में यूज किया जाता है कि कितना डिस्टेंस चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज फाइंडिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। पर क्योंकि आप टोटल बाय टोटल करते हो रहा तो एवरेज से पढ़ लेते हो आप, लेकिन यहां पर एक एक इंस्टेंट पे करेंगे क्योंकि इंस्टेंट चेंज हो रहा है। चलो यानी कि इस बात में देखते हैं, पॉइंट समझ में आया यहां तक? तो डिफरेंशिएशन का मतलब फाइंडिंग रेट ऑफ चेंज। तो अब क्योंकि जब तक मैं ये सॉल्व करना नहीं सिखाऊंगा आपको तो फिजिक्स या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है नहीं, है तो बात पक्की है। तो अब हम एक काम करते हैं, फिजिक्स को छोड़ देते हैं, फिजिक्स यहां तक खत्म होती है, मैथ्स शुरू करते हैं। मैथ्स में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डिफरेंशिएशन, ठीक? छोड़ो इस कहानी को, अब रेट ऑफ चेंज को बाद में देखेंगे क्या कर रहे हैं, अब पहले मैथ्स कर ही लेने तो फिर वही गाड़ी वहीं आके अटक जाएगी, ठीक? तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन की के किसी फॉर्मूले को लिखना बोलना कैसे है, इसका एक स्टाइल है, ध्यान से देखना फिर लिखना। अगर मैं लिखता हूं डी एक्स बाय डी टी, ठीक, इसको ऐसे पढ़ना है आपने, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। आप कहोगे सर डेरिवेटिव ऑफ एक्स, हाँ चलो डेरिवेटिव ऑफ एक्स, पर रेट निकाल रहे हैं तो डिफरेंशिएशन वर्ड चल जाता है। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ऐसे नहीं बोलना, मैं आपकी जगह होता ऐसे बोलता, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ टी, या मैं बोलता डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ टी, नहीं नहीं बोलना। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, आप ये क्या है, ये कैसा मैथ्स है, ऊपर तो पूरी रिस्पेक्ट दी हुई है डिफरेंशिएशन, नीचे डिफरेंशिएशन ही बोलते हैं, नहीं बोलते विद रिस्पेक्ट टू बोलते हैं, मतलब आप स्मॉल चेंज निकाल रहे हैं एक्स का और नीचे स्मॉल चेंज विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, टाइम, टाइम के हिसाब से निकाल रहे हैं। तो आपने कैसे रीड करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, फिर देखो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, ये सर्कल नहीं बनाना वैसे बना रहा हूं मैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, ये सर्कल कर लेता हूं, विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स नहीं बोलना, विद रिस्पेक्ट टू सिर्फ एक्स। तो हम मतलब किसका रेट ऑफ चेंज निकालना चाहते हैं, y का, और डिनोमिनेटर में क्या लेना चाहते हैं, स्मॉल इंटरवल टाइम का, ठीक, यानी कि हम मेजर करना चाहते हैं कि मेरी गाड़ी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है स्मॉल, डिफरेंशिएट डेरिवेटिव लेंगे और नीचे डिनोमिनेटर का फैक्टर क्या होगा, टाइम, टाइम के हिसाब से कितने टाइम में कितना इंटरवल कवर करती जा रही है। तो बोलना आ गया यहां तक और लिखना आ गया, तो इसको क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, कुछ भी हो सकता है, वो न्यूमेरिकल देने वाला अपने आप पूछेगा। बोलना आ गया यहां तक, ठीक, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बोल सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ वाई, डेरिवेटिव ऑफ वाई का मतलब स्मॉल चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां से शुरू करो,
डिफरेंशिएशन के अब मैथ्स के कुछ फॉर्मूलाज हैं, अब आपको सिर्फ मैथ्स का ही फील आएगा, फिजिक्स ख़त्म हो गई, मैथ्स ऐसा भी नहीं, आप सोचो मेडिकल के सोचें यार मैथ्स मैथ्स कहाँ से आ गया, ऐसा भी नहीं, नॉर्मल मैथ्स अलजेब्रा जैसा, और कुछ देर के बाद फिर फिजिक्स की इस प्रॉब्लम के साथ इंटीग्रेट करते हैं ऐसे। देखो तो फॉर्मूलाज लिखने शुरू करो, तो पहला फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोलो क्या? मैथ न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर तो आंसर वन ही होता है, वन ही होगा। देखो एक इंटरवल है बहुत छोटा dx, अब कुछ तो वैल्यू होती होगी 0.0000 जो भी होती होगी, अब उसको उसी से डिवाइड कर दोगे तो ऑब्वियसली आंसर वन। तो अगर हम x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसका स्मॉल चेंज निकाल रहे हैं और उसी चेंज से डिवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आंसर वन ही आएगा। तो अगर मैथ्स के किसी फॉर्मूले में ऐसा ये आ जाए वन, डी ये आ जाए तो भी ठीक, तो अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है तो आंसर क्या आएगा वन। कोई डाउट इसमें याद रहेगा यहां तक? नेक्स्ट फॉर्मूला लिखते जाओ, ये वन। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो मैंने क्या बोला इसमें, मैंने बोला डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। ये ना यार लंबा बहुत है, मुझे बहुत मतलब लंबा लगता है बोलना, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई। मैं छोटा करने वाला हूँ, इनफॉर्मल टर्म ऐसे रहेगी, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, काम है खत्म, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी वाई ऑफ वाई, डी बाई डी जेड ऑफ वाई, एक्चुअल मतलब वही है, टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ वाई स्मॉल चेंज विद रिस्पेक्ट टू जेड, या स्मॉल चेंज बाय स्मॉल चेंज, या टेकिंग रेट ऑफ चेंज, इतना लंबा लंबी कहानी नहीं चलेगी, सीधे ही बोलेंगे डी बाई डी जेड ऑफ वाई। अब कितना आसान हो गया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, लेकिन ये बोल मतलब इसका यही है कि टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब इसका वही है, पर आसान लगता है बोलने में तो सीधा ऐसे बोल रहा हूँ डी एक्स बाई डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट। पॉइंट समझ में आ रहा है, बोलने का तरीका चेंज किया, अदरवाइज मतलब उसका वही है। आंसर बोलो क्या होगा, अब हो गया आंसर, ये तो फॉर्म फॉर्मूला आपको छोड़ के नहीं, जीरो आपको नहीं बोलना, इनको बोलना आपने किया हुआ है ये वाला, ठीक बोला, कैसे जीरो, इसने जीरो बोला, सही बोला, कोई मुझे एक्सप्लेनेशन दे सकता है कि क्या आंसर होगा? सही है, सोचने दो, जीरो कैसे, ध्यान से देखना, न्यूमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, डी ऑफ कॉन्स्टेंट, अब असली मतलब पे आओ, डी फॉर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब स्मॉल चेंज, डेरिवेटिव डी फॉर स्मॉल चेंज, ओके। मैं कार चला रहा हूं एट अ स्पीड ऑफ 45, मैं चेंज ही नहीं कर रहा, बोलो मेरी चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, जीरो, यहां भी 45, यहां भी 45, यहां भी 40, तो चेंज क्या है, जीरो, जब चीज कॉन्स्टेंट है उसमें चेंज नहीं हो सकता, चेंज क्या आएगा, जीरो। पॉइंट समझ में आ रहा है, तो अगर मेरी मेरे 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 फिजिक्स में नंबर है 70, अगली पेपर में 70, नेक्स्ट पेपर में 70, चेंज इन मार्क्स बोलो, नहीं मार्क्स जीरो नहीं, चेंज इन मार्क्स जीरो, मार्क्स 70 हैं लेकिन इसमें चेंज तो कोई नहीं आया ना, घर वाले फिर कहेंगे यार रिपोर्ट कार्ड में नंबर तो फिर देर वही आ गए, कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो चेंज इज जीरो। पॉइंट समझ में आया, तो जब भी कोई चीज कॉन्स्टेंट तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, तो मैं भी तो वही पूछ रहा हूं, डी फॉर डेरिवेटिव किसका, कॉन्स्टेंट का, तो बताऊं क्या कि किसी भी कॉन्स्टेंट में चेंज क्या आएगा, जीरो, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। मैं एग्जांपल से समझाता हूं, चलो
एक और एग्जांपल लेता हूं, ये देखो, सपोज सपोज मेरे पास, मैं ये बोलता हूं कि कार इज मूव, मैं सेम एग्जांपल लेता हूं, अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 4 मीटर्स पर सेकंड, 4 मीटर्स पर सेकंड, 4 मीटर्स पर, इसे चेंज ही नहीं होना मान लो, तो बोलो दो छोटे से इंटरवल ले लेते हैं, इसमें बताओ चेंज इन वेलोसिटी क्या है, बोलो जीरो, चेंज तो नहीं हुआ ना इन दो इंटरवल में, कोई चेंज नहीं, ठीक, चेंज या स्मॉल चेंज बोलता हूं, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो, स्मॉल चेंज का सिंबल क्या होता है, डेरिवेटिव, और वेलोसिटी को ऐसे लिख लें, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, पर क्योंकि वेलोसिटी इज अ कॉन्स्टेंट, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। ये स्टेप समझ में आया कि इसलिए जो चीजें चेंज नहीं होती तो उसका डेरिवेटिव क्या लोगे, उसका तो डेरिवेटिव आएगा ही नहीं, डेरिवेटिव किसका आएगा, जो क्वांटिटीज चेंज होती हैं, क्योंकि डेरिवेटिव का नाम ही ये है स्मॉल चेंज, और वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो वेलोसिटी इज अ कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन इज जीरो। पॉइंट समझ में आया यहां तक, ठीक, तो जैसे इसमें लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 4, भाई 4 तो कांस्टेंट है, इसमें चेंज ही नहीं होना, तो कह रहा है 4 की वैल्यू में क्या चीज चेंज आ रही है, आ ही नहीं रहा, तो आंसर इज 0। इसलिए मैथ्स के अंदर आप देखेंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ, यानी कि मान लो कोई नंबर है, नंबर आ गया, नंबर में चेंज पूछ रहा है, नंबर में कैसे चेंज आ सकता है, तो आंसर क्या आएगा, 0। डी बाय नीचे कुछ भी हो, नीचे का कोई चक्कर नहीं, अगर ऊपर कांस्टेंट है तो इसका चेंज हमेशा 0, जैसे डी बाय डी जेड ऑफ 8, कुछ भी नीचे कुछ भी हो, जब ऊपर ही 0 आ गया तो रेशियो 0 ही रहेगी, तो इसलिए क्या बोला जाता है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन इज 0। नेक्स्ट फॉर्म लिख लो, पॉइंट समझ आया यहां तक कि आपने कुछ नहीं करना, अगर कोई नंबर आ गया डिफरेंशिएशन में तो आंसर हमेशा 0, ठीक, लिख लो, कोई चीज पूछनी है पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर में 0 अलाउड नहीं ना, डिनोमिनेटर में वैल्यूज नहीं पुट होती वैसे भी, मैं आपको ये भी थोड़े टाइम के बाद बता सकता हूँ, एक लेक्चर सिर्फ और चाहिए मुझे कि डिनोमिनेटर में क्यों नहीं टच कर रहे हम, राइट, डिनोमिनेटर में आप सोच रहे होंगे न्यूमिनेटर से बातें करे जा रहे हैं चेंज, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं कर रहे, उसका रीजन है मैं आपको बताऊंगा क्या रीजन है, राइट, अभी नहीं बता सकता क्योंकि मेरे को ना पहले कैलकुलस सिखाना है, एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है कि वही प्रॉब्लम है कि पहले कैलकुलस सीखें कि पहले आंसर ढूंढें, आंसर ढूंढ नहीं सकते क्योंकि कैलकुलस नहीं आता, कैलकुलस सीखते हैं आंसर नहीं मिलते, आंसर ढूंढने चलते हैं कैलकुलस नहीं आता, एक चीज फॉलो करते हैं कैलकुलस सीख लेते हैं, दो चार फॉर्मूलास फिर अप्लाई करके देखते हैं, फिर सारे आंसर इकट्ठे आ जाएंगे, एक चीज तो शुरू करनी पड़ेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है, ये गेम ही ऐसी है कि आपको बस पेशेंस रखनी पड़ेगी, नेक्स्ट लेक्चर तक सब क्लियर हो जाएगा। हाँ, मैं भी होता तो यही पूछता कि मतलब क्या मतलब dx by dt में फंसा तो दिया, आप इसको बाहर भी निकाल लो, क्योंकि एक लेक्चर की ब्रेक लगेगी, इसमें लंबी कहानी है ना, तो एक लेक्चर में नहीं समझना, एक लेक्चर में समझना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कैलकुलस से 5-7 फॉर्मूले करने पड़ेंगे इसके लिए, 5-7 का मतलब है, एक फॉर्मूले का मतलब कम से कम 8-10 न्यूमेरिकल, 2 का मतलब 8-10 न्यूमेरिकल, 5-7 50 न्यूमेरिकल के बाद समझ में आएगा अच्छा ये किया था, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। आ जाए, क्यों टेंशन ले रहे हो, चलते जाओ बस, क्या ये पॉइंट, बस ये फॉर्मूला समझ लो, बस ये फॉर्मूला क्लियर है, तो आज के बाद ये अगर फॉर्मूला आ जाए तो 1 हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाए तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या है अभी समझ में आएगा धीरे धीरे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो फॉर्मूला मैं करवाने जा रहा हूं, ये मैथ्स का फॉर्मूला है, सारी मैथ्स के फॉर्मूले हैं वैसे तो, पर इन फॉर्मूलाज की तो एक्सप्लेनेशन मैं साथ साथ दे रहा हूं, मैं सारे फॉर्मूलाज की एक्सप्लेनेशन दे नहीं पाऊंगा क्योंकि मैथ्स के टीचर इनको प्रूव करते हैं प्लस टू में। अब मैं मैथ्स की किताब तो खोल नहीं सकता 2 महीने, आराम से पहले बताऊँ ये फॉर्मूला कहाँ से आया, उसके बाद चलो फिर तो पहले मैथ्स ही पढ़ाते हैं कैलकुलस 2 महीने, फिजिक्स तो जून जुलाई में शुरू कर लेंगे, अब इतना भी नहीं है, इतना है कि हमारा काम चल जाए 2 साल तक एटलीस्ट, फिजिक्स में कैलकुलस हमें तंग ना करें, तो इसलिए फिजिक्स वाले बोलते हैं चलो ये फॉर्मूलाज कर लेते हैं, मैथ्स वाले पहले फॉर्मूला बताते हैं फिर ये भी बताते हैं एक लेक्चर लगा के देखो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो एक्चुअल में ये मैथ्स का एरिया है पर हम टू दी पॉइंट कर रहे हैं फॉर्मूलाज, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि जब तक हर कोई इसे सीख नहीं लेगा मेरा लेक्चर आगे चलेगा ही नहीं, चाहे 2 लग जाए लेक्चर चाहे 1 महीना लग जाए, जब तक हर बच्चा इसको ठीक नहीं कर देता ये इसकी प्रैक्टिस चलती रहेगी, अंदाजा लगा लो
कि ये टाइम इसमें कितना टाइम लगेगा, एक मिनट लगेगा वैसे तो, बट लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे तो कभी कभी भूल जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं, तो बस वहाँ वो पकड़नी है मुझे और कुछ नहीं करना। तो एक फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं फॉर्मूला याद नहीं करवाना चाहता, तो मैं सिंपली आपको पहले एग्जाम्पल करवाऊंगा, फिर फॉर्मूला आपसे पूछूंगा फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक, ताकि याद ना करना पड़े आपको। पहले सिर्फ देखना है, फिर आराम से लिख लेंगे। सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 4, इसको पावर रूल बोलते हैं, पावर रूल कि एक्स की पावर चल रही है। मैंने क्या बोला, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 4, वैसे फॉर्मल तरीका क्या है, डिफरेंसिएशन ऑफ एक्स की पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो मर्जी बोल लो, पर अभी बोलने बोलने में कोई चक्कर नहीं, इसका पहले आंसर लिखते हैं क्या है, आंसर जरूरी है। इसका आंसर अगर लिखना है, मैं अगर आपकी जगह होता, या बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं, x से x कट गया, क्या आ गया 3, बहुत टेस्ट में देखेंगे हम ऐसा होगा, तो क्या बचा ये, फिर ध्यान से देखेंगे ये क्या हो गया यार, अजीब सा लग रहा है। डी फॉर डेरिवेटिव, घर गए क्या सीख के आए, डेरिवेटिव क्या होता है, स्मॉल चेंज, ठीक है, पूछा क्या करके आए, चेंज निकाल के आया, भाई किस में चेंज निकाल के आया, चेंज निकाल के आया हूं, बता तो सही किस में, टाइम में, डिस्प्लेसमेंट में, मार्क्स में, कुछ तो चेंज किया होगा, नहीं बस चेंज करके आया हूं। अब ये कोई बात नहीं बनी, इसीलिए अकेला डी कभी भी हवा में लटकेगा नहीं, तो एक्स को एक्स के साथ नहीं काटना। पॉइंट समझ में आया यहां तक, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो देखो आपके सामने चेंज है, ये भाई क्या चेंज है, रिस्पेक्ट टू तो बताओ, टाइम है, एक्स है, क्या है, तो गड़बड़ हो जाएगी, बिल्कुल भी कट नहीं करना। पहली गलती क्लियर। ये बताने के बाद भी 4-5 स्टूडेंट होंगे जो फ्लो में ऐसा अलजेब्रा चलाएंगे मैथ्स का,